चलिए गाइस, चैप्टर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज बड़ा देखें। चैप्टर 2 के अंदर हमने एक स्टेप पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर जहाँ हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे थे कि हमारा थर्ड स्टेप था, दैट वाज रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एनालाइज करके डिफरेंट स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं ये बेस्ड ऑन आप किस लेवल पर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला उसने नाम दिया कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, जो सेकंड उसमें नाम आया दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। जब स्ट्रेटजीज बनती हैं बेटा वो तीन अलग अलग लेवल्स पे बनती हैं, और ये तीन आपने मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े थे जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें यही बात था कि तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रेटजीज बनती हैं बेटा उसको हमने चैप्टर 4 में कवर किया हुआ है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज चैप्टर 5 में कवर्ड हैं, और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज चैप्टर 6 में कवर हैं। उसके बाद बेटा इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन और वाला पार्ट 7 में कवर है, और इवेल्युएशन वाला पार्ट चैप्टर 8 में कवर है। तो वही वाला जो प्रोसेस है वही आगे वाले चैप्टर्स हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है दिस आई विल बी डिस्कसिंग टुडे चैप्टर 4। बट जब हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो इन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनको ग्रैंड स्ट्रेटजीज बुलाया जाता है, दीज स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो नोन बाय द नेम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी बुलाया जाता है। Then these strategies are also known as generic strategies. मेरा जो generic strategies इनको नाम दिया था ये दो authors थे, एक का नाम था William F. Gluick, दूसरे का नाम था Lawrence R. Josh. These were two authors मेरा जिन्होंने इसको नाम दिया था, इसको हम Gluick and Josh की जेनरिक स्ट्रेटजीज बोलते हैं। बेटा ये आप चाहें तो अपने चार्ट के टॉप पे लिख लें, विलियम एफ ग्लुइक एंड लॉरेंस आर जॉश ने इनको नाम दिया था जेनरिक स्ट्रेटजीज, दे वर नोन बाय द नेम जेनरिक स्ट्रेटजीज। हैं यही बेटा चार स्ट्रेटजीज हैं टोटल, इन चार स्ट्रेटजीज को अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज भी यही बुलाई जाती हैं, ग्रैंड स्ट्रेटजीज भी वही बुलाई जाती हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी इन्हीं को बोलते हैं, और ग्लुइक एंड जॉश की तरफ से दी गई 4 जेनरिक स्ट्रेटजीज भी यही कहलाती हैं। तो दीज आर द 4 स्ट्रेटजीज, इनको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। अब ये चार स्ट्रेटजीज हैं कौन सी, ग्लुइक एंड जॉश की जनरल स्ट्रेटजीज, व्हाट आर दिस स्ट्रेटजीज। बट इन चार स्ट्रेटजीज को मैं डिवाइड करना शुरू करूं, देर आर इन टोटल 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजीज, बट इनको मैं अभी एक ही नाम यूज कर रहा हूं उनके लिए, ग्रैंड स्ट्रेटजीज, यू नो इनके कई नाम और हैं। चार स्ट्रेटजीज होती हैं ये। नंबर 1 इज कॉल्ड अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, सेकेंड वन कॉल्ड अ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, थर्ड वन कॉल्ड अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, एंड फोर्थ वन कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। बड़ा चार मेन स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम ग्रैंड स्ट्रेटजीज बोलते हैं। अब इन चार स्ट्रेटजीज के अंदर बेटा ये एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, इन दोनों का फर्दर ब्राइफिकेशन है, स्टेबिलिटी और कॉम्बिनेशन इतना ही है बस। तो जब हम चैप्टर आगे पढ़ते हैं बट उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज। जब हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात करते हैं दिस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आपका चार्ट 2 है जो उसके अंदर बना हुआ है। 1 इज कॉल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड 1 इज कॉल्ड बाय मर्जर एंड एक्विजिशंस, थर्ड वे जिसकी तरह आप ग्रो करते हैं इट इज बाय स्ट्रेटजिक अलायंस, ठीक है। और ऐसे ही जब आप रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो रिट्रेंचमेंट भी 3 तरह का होता है। 1 इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, सेकेंड 1 इज कॉल्ड अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एंड द थर्ड 1 इज कॉल्ड अ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। योर एंटायर चैप्टर 4 बेटा, ये आपका पूरा चैप्टर 4 है। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो पूरा चैप्टर 4 में बस यही कुछ कवर्ड है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, then a expansion or growth strategy, then something called a retrenchment strategy, and finally a combination strategy. Expansion strategy ke further types hain, they can be of 3 types: by diversification,
by merger or acquisitions or by strategic alliance. Retrenchment can be of three types. One is turnaround strategy, a divestment strategy and a liquidation strategy. तो पहला तो बेटा chapter दिमाग में set होना चाहिए कि chapter में है क्या कुछ. Now let us first of all study बेटा ये वाले main strategies. इनके अंदर अगर bifurcation बाद में पढ़ेंगे. ये मैंने आपका पहले chart में cover किया है कि stability strategy क्या होती है, growth strategy क्या होती है, retrenchment क्या होती है और combination क्या होती है. When I talk about stability strategy, बेटा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है जब आप सेम बिजनेस में रहते हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सेम मार्केट एक्सपोजर रखते हैं, कोई लंबी चौड़ी आपकी ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव नहीं होते, यानी कि ग्रोथ ऑब्जेक्टिव बहुत मॉडेस्ट होता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, जितना बिजनेस आपका चल रहा है आप उतना ही बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि बेटा आम भाषा में यू आर सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. हम आप कहते हैं कि आप ना एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं. बट आप समझें, सारे बिजनेसमैन हर समय ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसमैन समझ जाता है कि मेरा बिजनेस बस इतना ही ग्रो करना था, या फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेटिस्फाइड, मैं अगले 2 साल तक 5 साल तक बिजनेस को और ग्रो करना नहीं चाहता. माय एम इज कि जो मेरे बिजनेस हैं, जो मेरे प्रोडक्ट हैं, जो मेरे शॉप्स खुले हुए हैं, जो मेरी फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, बस यही बने रहें. इसको हम कहते हैं कि आपका जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है बड़ा मॉडेस्ट है, आप बहुत कोई लंबी चौड़ी ग्रोथ नहीं चाह रहे. और ऐसा नहीं है कि बेटा ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती, ये स्ट्रेटजी अक्सर फॉलो होती है. ये स्ट्रेटजी कहाँ कहाँ फॉलो होती है बेटा? एक तो मार्केट में रिसेशन चल रहा है, आपको समझ आ रहा है लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, आप इसी बात से खुश हैं कि मेरा जितना बिजनेस उतना बना रहा है, बस बहुत बड़ी बात है. सेकेंड क्या होता है बेटा, आपने कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की होती है, आप पिछले 2 सालों में बहुत पैसा खर्च करके बैठे हुए हैं, आपने कई शॉप्स खोल लिए, उसके बाद क्या होता है बेटा, आप कहते हैं कि बस अब और ग्रो नहीं करूंगा कुछ साल तक, पहले इसी बिजनेस को सेट करूंगा, इसी का इसके अंदर और क्या क्या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, मेरे फंक्शंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है वो करूंगा. तो जब आप ये फेस कर रहे होते हैं जहां पर आप फर्दर ग्रो नहीं करना चाहते होते, आप सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम कस्टमर्स को टारगेट करके कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते होते, लेकिन हाँ बेटा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जरूर चाहते होते हैं. आप ये चाहते होते हैं कि जो मेरा काम चल रहा है इसके अंदर इंप्रूवमेंट आए, मैं फर्दर काम को भी फैलाना नहीं चाहता. तो हम क्या कहते हैं, उस समय आप जो स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. जब मैं बोलता हूं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब तो हो गया डू नथिंग स्ट्रेटजी, आप कुछ भी नहीं कर रहे. बट इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ नहीं कर रहा, कि मुझे कोई परवाह नहीं है मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर मैं पूरा ध्यान देता हूं. बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कोई चेंज आ गया, सपोज करें मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बदल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो प्राइस है चलता रहे, मेरे कॉम्पिटिटर प्राइस बदल रहा है मैं उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर पूरा ध्यान दे रहा हूं. बट मैं नया बिजनेस आगे या कोई नया प्रोडक्ट, नया शॉप, कोई नया प्रीमाइसेस खोलने के मूड में नहीं हूं, देन वी से कि ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. इसलिए एक सेंटेंस देता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डू नथिंग स्ट्रेटजी होती है, हम कहते हैं नहीं ये गलत बात है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटजी. आप अगर आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रहे हैं देन टू आप जो अपने बिजनेस के आसपास डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको ट्रैक करते रहते हैं और उनके हिसाब से अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बदलते रहते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. बट जितना स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में था मैंने यहीं समराइज कर दिया. तो ये 2 तरह से आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, या बड़ा सिंपल पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो बेटा यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं. सेकंड जो आपसे इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर परसुइंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके अंदर से. देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या क्या होती है, आंसर सेम रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो आप जब क्या होती है उसके अंदर 2 लाइनों का डेफिनेशन बना देंगे, बाकी फीचर्स पॉइंट्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना देंगे, रीजंस फॉर परसुइंग अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन है. आइए एक बार देखें क्या कुछ है इसके आंसर में. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इन दिस द फर्म स्टेज विद द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट पोस्चर एंड फंक्शंस, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ एफर्ट एज प्रेजेंट, जितना मैं आज काम कर रहा हूं मैं उतना ही एफर्ट के साथ काम करना चाहता हूं. एंडेवियर इज टू एनहेंस, एंडेवियर क्या होता है बेटा, कोशिश, इज टू एनहेंस फंक्शनल एफिशिएंसीज इन इंक्रीमेंटल वे. मेरा क्या मकसद होता है कि मैं जो अब मेरे फंक्शंस हैं, बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहता बेटा मैं जो फंक्शंस हैं इस समय अपने वो इंप्रूव करना चाहता होता हूं. फंक्शंस इंप्रूव करना मीन्स मैं चाहता हूं कि अब मैं परचेज सस्ती कर सकूं, मैं अपने जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसके अंदर जो समस्याएं हैं उसको हटा सकूं. सो दीज आर केसेस, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अपनी फंक्शनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहता हूं इंक्रीमेंटल वे के अंदर, धीरे धीरे मैं इसको इंप्रूव करना चाहता हूं.
through better deployment and utilization of resources. मैं resources के through या उसके through इसकी better utilization करके I want to improve my functional efficiencies. The growth objective of the firms employing this strategy is quite modest. बट यहाँ पर आपके कोई लंबे चौड़े growth objective नहीं होते. Your growth objectives are very modest. आप बहुत धीमी धीमी गति से business को बढ़ाना चाहते होते हैं. आपके कोई लंबे चौड़े growth objectives नहीं है. It does not involve redefinition of business of the corporation. आप अपने business में कोई redefinition नहीं कर रहे. Redefining business क्या होता है बेटा? नए businesses खोलना, नए product बनाना. जब मैंने कुछ नया product, पहले मैं क्या करता था, मैं ये चार product बनाता था, अब मैं दो और जोड़ लेता हूँ. मैंने क्या कहा, मैंने redefine किया business. Stability में आप redefine नहीं करते business को. Redefine आप कहाँ करते हैं? Growth strategy के अंदर, जहाँ आप नए नए businesses खोल रहे होते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, इट्स ए सेफ्टी ओरिएंटेड स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. स्टेटस क्या होता है? स्टेटस को क्या होता है? जो है वैसा बरकरार बनाए रखना. तो ये सेफ्टी ओरिएंटेड है, स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है. इट डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट. बेटा जब कोई नया बिजनेस खोल ही नहीं रहे, जब कोई नया प्रोडक्ट निकाल ही नहीं रहे, तो किस बात की इन्वेस्टमेंट? इसमें लंबी चौड़ी को इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. और क्योंकि लंबी चौड़ी को इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसने लंबा छोड़ा, कोई रिस्क भी नहीं होगा. इसमें रिस्क भी कम होता है. रिस्क ऑफ परस्यूइंग दिस स्ट्रेटजी इज आल्सो लेस. द बेनिफिट ऑफ कंसंट्रेटिंग फर्म्स रिसोर्सेज एंड अटेंशन ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट. लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि बेटा आप नया बिजनेस तो खोल नहीं रहे, तो आपके जितने रिसोर्सेज हैं, जितना ध्यान है, जितनी अटेंशन है, वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगी रहती है. और इसलिए ही तो मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ले रहा था. मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्यों कर रहा था? ताकि मैं फंक्शनल एफिशिएंसी ला सकूं. फंक्शनल एफिशिएंसी मीन्स एग्जिस्टिंग बिजनेस के फंक्शंस इंप्रूव कर सकूं. तो जब मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा तो ही तो फंक्शनल एफिशिएंसी आएगी. तो उसने बात क्या लिखा, बेनिफिट ऑफ कंसंट्रेटिंग फर्म्स रिसोर्सेज एंड अटेंशन ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स. कब फॉलो की जाती है? यूजली इट इज फॉलोड इन रिसेशन टाइम्स. रिसेशन के समय इसको फॉलो किया जाता है. जब मार्केट में लंबी चौड़ी ग्रोथ नहीं होती, आप मजबूरी में स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हैं. दूसरा क्या है, आप बाय चॉइस भी करते हैं. तो इट इज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से ट्रू फॉल्स आता है. इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटजी. ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है. इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स टू एंश्योर दैट स्ट्रेटजी कंटिन्यूज टू मेक सेंस. कि मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ वो सही है, इस बात के लिए आप बार बार मार्केट को ध्यान रखते हैं. बस आप ग्रोथ नहीं करना चाहते, आप नए बिजनेसेस में एंटर नहीं करना चाहते, आप नए अपने बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं. ऐसा मैं क्यों करता हूं, मैं व्हाई डू आई फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी? नंबर वन, अ प्रोडक्ट हैज रीच द मेजॉरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. बेटा मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अब उस लेवल पे पहुंच चुका है कि इसकी डिमांड अब और नहीं बढ़ सकती. ये मेचोरिटी लेवल पर है. यानी कि बेटा अब इससे इसकी डिमांड घट तो सकती है, लेकिन मैं कहूं कि मैं नए कस्टमर ढूंढ लूंगा, नए बिजनेसेस में इसको अब नए लोगों को बेच लूंगा, ऐसा नहीं होता. मेरा बहुत पुराना प्रोडक्ट है, हर कस्टमर जानता है, अब इसके अंदर नए पैसे क्या लगाने. बड़ा सपोज करें मैं मैगी बेचता हूँ ना, दे डू नॉट नीड मच मोर इन्वेस्टमेंट. सबको पता है, सब खाते हैं, उनका सेटअप चल रहा है. तो दे विल गोइंग बाय स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कि ठीक है भैया, जो काम चल रहा है बस वही काम चलता रहे. द पॉइंट इज यू हैव रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज. अब आप उस स्टेज से निकल गए हैं जहाँ आप पैसा लगा लगा के ज्यादा बेचना चाहते होते हैं. बट आज की डेट में ओला उबर वगैरह क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये भी मैच्योरिटी स्टेज में नहीं है, ये भी स्टार्टिंग स्टेज में है. ये पूरा जोर लगाए पड़े हैं कि हमें और कस्टमर चाहिए, और कस्टमर चाहिए. और आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे देखते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है. दे नो कि हमारे कस्टमर बने हुए हैं और बरकरार रहेंगे, बस इन्हीं को बनाए रखिए. तो अब हम क्या कहते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट की मेच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाते हैं, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. क्योंकि उस समय अब आप बढ़ना नहीं चाहते, आपका मकसद क्या होता है, इसी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ. सेकेंड, इट इज लेस रिस्की. हमें समझ आता है ये लेस रिस्की है, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं. एज इट इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस एंड स्टाफ फील्स मोर कम्फर्टेबल विद थिंग्स. कोई लंबे चौड़े चेंज नहीं होते, आपके स्टाफ को भी पता है वही काम है जो रोज करना होता है. This is the reason लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. थर्ड, एनवायरमेंट फेज्ड इज रिलेटिवली स्टेबल. बेटा आप लोग संतुष्ट या निश्चिंत कब हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि जिस एनवायरमेंट में मैं काम कर रहा हूँ इसमें आपको लंबा चौड़ा चेंज नहीं आएगा. आपको लग रहा है बेटा नए कॉम्पिटिटर घुसे चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ नई नई चेंज कर रही है, आप चाह के भी स्टेबिलिटी फॉलो नहीं कर पाएंगे. मैं आज क्या कह रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी फॉलो करूंगा, कोई ग्रोथ नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा. बेटा मेरा एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, वो रोज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए चले जा रहा है, मुझे भी ना चाहते हुए करने पड़ेंगे. तो हम क्या कहते हैं, इस समय आपकी मार्केट यानी कि स्टेबल नहीं है. लेकिन अगर मेरी एनवायरमेंट स्टेबल है, देन आई विल गो अहेड एंड फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा. एक्सपेंशन में बी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटनिंग. बेटा कुछ लोग क्यों स्टेबिलिटी फॉलो करते हैं, वो डरते हैं एक हद से ज्यादा बिजनेस बढ़ाने में. समझे, जनरल कारण भी क्या होता है, पता नहीं मेरे से संभलेगा कि नहीं संभलेगा.
तो इस केस में भी आप क्या करते हैं, फिर हमें कहते हैं आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करो अगर आपको एक्सपेंशन से डर लगता है। बट एक्सपेंशन करनी भी हर किसी के बस की नहीं है। आप कहें कि मैं एक शॉप चला लूंगा, दो चला लूंगा, लेकिन उसके बाद ना आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है यार संभलेगा कि नहीं मेरे से, मैं इतने हाथ पांव फैलाए तो जा रहा हूं। तो हम क्या कहते हैं उस केस में आपने क्या किया, एक्सपेंशन इज परसीव्ड टू बी थ्रेटनिंग। तो उस केस में भी आप क्या करते हैं, आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एंड लास्ट, कंसोलिडेशन इज सॉर्ट थ्रू स्टेबिलाईजेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। अब ये कौन सा है बेटा, आपने पहले एक्सपेंशन की है, बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत भागे दौड़े हो, बहुत बिजनेसेस खड़े कर लिए, अब आपको क्या लगता है कुछ समय ठहर जाते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, इन बिजनेसेस को पहले ढंग से चलाते हैं, उसके बाद सर नई एक्सपेंशन कर लेंगे। तो हमने उसको ये कहा आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं, थोड़ा समय रुक रहे हैं आफ्टर अ मैसिव एक्सपेंशन, आपने बहुत एक्सपेंशन की थी पहले, तो ये कुछ कारण बेटा जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक तो नंबर एक कारण क्या हुआ, आपका प्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टेज पर है, कोई लंबा चौड़ा हुआ है। दूसरा, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक्सपेंशन से डरते हैं, आपकी एनवायरमेंट स्टेबल है, आप कंसोलिडेशन करना चाहते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि मैंने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो दिस इज वन। सेकेंड जो स्ट्रेटेजी हमारे पास, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। पहले इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बेटा नेक्स्ट चार्ट इसकी टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के ऊपर है। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा, सिंपल भाषा में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बिल्कुल उल्टा। आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपने एग्जिस्टिंग में से, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जब आप बढ़ाना चाहते हैं तो बेटा नया पैसा डलेगा, पैसा डलेगा तो नया रिस्क होगा, उसके अंदर आप नए बिजनेसेस खोलेंगे, नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए प्रोडक्ट लाइन खोलेंगे, नई मार्केट्स में जाएंगे। जब आप ये सब कर रहे होते तो बेटा हम क्या कहते हैं, आप डायनामिक हो रहे हैं, आपके पास विगर है, प्रॉमिस है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी अक्सर इन टर्म्स के साथ जानी जाती है कि आदमी बदल रहा है, फैल रहा है आगे, नया पैसा लगा रहा है, नई मार्केट में घुस रहा है। तो हम क्या कहते हैं, आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। उसने क्या किया, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस। वहां वर्ड क्या था, आप बिजनेस को रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहां उसने वर्ड ही क्या लिखा है, आप बिजनेस को रीडिफाइन कर रहे हैं बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस का स्कोप बढ़ा रहे हैं एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, नया पैसा डाले चले जा रहे हैं उसके अंदर। पॉपुलर स्ट्रेटेजी दैट टेंड्स टू बी इक्वेटेड विद, बेटा ये स्ट्रेटेजी कौन लोग फॉलो करते हैं, जो डायनामिज्म, विगर क्या होता है बेटा, जोश, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस से भरे हुए होते हैं, जिनका एम क्या होता है, सक्सेसफुल होना है, डायनामिक बनना है, चेंजेस के साथ बदलना है। बेटा ये ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये वर्ड पर ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी रीडेफिनेशन नहीं इंक्लूड करती, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में रीडेफिनेशन होता है। रीडेफिनेशन क्या होता है, नए बिजनेसेस, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना। नेक्स्ट उसने क्या लिखा है, इट इज एन ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का बिल्कुल उल्टा होता है। वाइल इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड, बेटा वहां जब आप पैसा ही नहीं लगा रहे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपको वही बिजनेस चलता रहेगा। इन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी द रिवॉर्ड्स आर वेरी हाई, बेटा लेकिन रिवॉर्ड्स हाई होने के साथ दिक्कत क्या है, रिस्क आर ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि आपने पैसा इतनी जगह लगाया, हो सकता है वो बिजनेस ना चले। बेटा इट लीड्स इन मैटर्स ऑफ रिस्क टू द टू आर ऑपोजिट्स टू इच अदर, यानी बेटा यहाँ क्योंकि रिस्क कम होता था, हमने कहा ये उस मामले में भी उससे ऑपोजिट है, आपको ज्यादा रिवॉर्ड तो देता है लेकिन ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व करता है। बट बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, कह रहा है कि पैसा लगाओगे तो रिवॉर्ड और रिस्क तो होगा। इट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी, बट एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये दो तरह की होती है, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बेटा ये अभी हम नेक्स्ट चार्ट में पढ़ेंगे कि इसको जब डिवाइड करोगे ये दो तरह से होती है, वन इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन, अनदर वन इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। इसको क्यों फॉलो किया जाता है, रीजंस फॉर परसुइंग। नंबर वन, इट मे बिकम इंपेरेटिव व्हेन द एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। कई बार बेटा आप चाहते नहीं होते ग्रोथ करना लेकिन एनवायरमेंट ग्रोथ कराती है आपसे। रीजन मैंने आपको समझाया बेटा, जब आपका कॉम्पिटिटर लगा पड़ा होगा पैसे खर्च करने में, आपको पता चलता है नए प्रोडक्ट लाता है, इतनी मार्केटिंग करता है, कभी कुछ कहीं फैक्ट्री खोल रहा है, कभी कहीं दुकान खोल रहा है, आपको क्या लगता है यार मुझे भी करना पड़ेगा अगर उसके साथ रहना है। तो हम क्या कहते हैं, इट मे बिकम इंपेरेटिव, इंपेरेटिव क्या होता है, जरूरी, व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। जब एनवायरमेंट कह रही होती है कि अपनी एक्टिविटी का पेस बढ़ाइए, अपने काम करने के तरीके को तेज करिए, स्ट्रेटजिस्ट में फील मोर सेटिस्फाइड। कई बार मैनेजर्स क्यों करते हैं ये काम, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसे कंपनी के मैनेजर हैं जो ग्रो कर रही है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, बट आप समझें
आप एक ऐसी कंपनी के मैनेजर हैं जो लॉस मेकिंग है, जिसने कई यूनिट नहीं खोले, यू ऑल्सो फील डिसअपॉइंटेड कि यार मैं कहाँ फंस गया. लोग पीपल फील प्राइड कि मैं ऐसी कंपनी का मैनेजर हूँ जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वो हर साल नया प्रॉफिट दिखाती है. तो स्ट्रेटजिस्ट में फील सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एक्सपेंशन. चीफ एग्जीक्यूटिव टेक प्राइड इन प्रिसाइडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन परसीव टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड. वो लोग जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रिसाइड करते हैं, टॉप पे बैठते हैं, उनको एक तरह से फीलिंग ऑफ प्राइड आती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है. तो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से ग्रोथ करते हैं. उसके अलावा एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, पता हमें समझ आता ही है. जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं. एंड एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में ग्रो. आपको क्या लगता है, ज़्यादा बनाऊंगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आएगा. मैं इतना पुराना प्लेयर हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है इसको बनाने का, तो मुझे तो एक्सपेंड करना चाहिए. मैं तो क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस, आजकल नए नए लोग बिजनेस खोले जा रहे हैं और मैं अपना बिजनेस एक जगह पर सीमित करके बैठा हूँ. मैं जाऊँगा तो बड़े स्केल पर काम करूँगा, एक्सपीरियंस भी रखता हूँ, उनसे सस्ता बेच लूँगा. दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से आप एक्सपेंड करते हैं. तो बड़े चार रीज़न उसने दिया आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए. नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी. बेटा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ग्रोथ स्ट्रेटजी से लगभग उल्टी. ग्रोथ में आप क्या होते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं. रिट्रेंचमेंट में आप अपने बिजनेस को छोटा कर रहे होते हैं. सर ये लोग कौन होते हैं जो बिजनेस को छोटा करने में लगे पड़े होते हैं, बिजनेस को छोटा कौन करता है? बेटा करते हैं आप बिजनेस को छोटा जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम साइज ज़्यादा फैल गए. अब इसमें कुछ ऐसे यूनिट हैं जो लॉस जनरेट किए चले जा रहे हैं, उल्टा जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हैं उनका भी प्रॉफिट खा जाते हैं. तो फिर आप क्या करते हैं, बेटर ये है कि काम को आप थोड़ा सा काट पीट करके छोटा करिए. बटे वैसे जैसे पेड़ की पत्तियां इधर उधर फैल जाती हैं तो आप उसकी ट्रिमिंग कर देते हैं. दैट इज़ व्हाट व्हेन यू आर ट्रिमिंग योर बिजनेस इज गिविंग इट अ प्रॉपर शेप. यार जो चीज़ें हद से बाहर निकल रही हैं, जो चीज़ें लॉस की तरफ ध्यान दे रही हैं, जो बिजनेस की शेप खराब कर रही हैं मेरा, बेटर क्या है उनको काट दिया जाए या उनको ठीक कर लिया जाए. बड़ा इसमें दो तरीके होते हैं. एक तो क्या होता है रिट्रेंचमेंट में, आप क्या कहते हो ये लॉस मेकिंग यूनिट है, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स इंप्रूव करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज निकालेंगे, मैनेजमेंट बदलेंगे, नया पैसा डालेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे. तब हम क्या कह रहे हैं, आप बंद नहीं कर रहे उसको, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं उसको. उसको हम कहते हैं ये आप टर्न अराउंड कर रहे हैं. जब आप बड़ा ये मान लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकती, मैं इस यूनिट को बंद ही कर दूंगा, तब हम क्या कहते हैं, आप डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं. डाइवेस्टमेंट क्या होता है, अपने सिक यूनिट्स को बंद कर देना, उनको ठीक करने की कोशिश करना. क्या होता है, टर्न अराउंड करना. कई बार बड़ा को क्या लगता है, सिर्फ यूनिट नहीं सारा बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि मैं सारे के सारे लॉस ही जनरेट करता हूँ. बेटा ये होता है ड्रास्टिक डिसीजन, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन कर देना. आपने सारा कुछ ही उठा के बंद कर दिया. तो लिक्विडेशन में क्या होता है, आप सारा बिजनेस बंद कर देते हैं. डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, वो वाले लॉस मेकिंग यूनिट्स जो आपको लग रहे होते हैं आप वो बंद करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग वाले चलाए रखते हैं. और टर्न अराउंड में आप क्या करते हैं, आप पहले ये कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा. तो ठीक करने का तरीका क्या होता है, बेटा ठीक करने का तरीका वही होता है जिसको आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं. पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स के अंदर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें यही तो होता है, आपका एक लॉस मेकिंग यूनिट होता है, आप उसको सुधारने में लगे पड़े होते हैं. क्रेडिटर्स को कहते हैं मुझे थोड़ा दिन और दे दो, प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को कहते हैं हम हमारे डिविडेंड छोड़ रहे हैं, असेट्स को ढंग से वैल्यू करते हैं, थोड़ी सी कैपिटल सही करते हैं. ये तो बड़ा अकाउंटिंग लेवल पर हो गया. आप समझे बिजनेस में पीछे क्या हो रहा होगा, आप वो वाले प्रोडक्ट हटा देते होंगे जो आपको लगता है काम के नहीं है, फिर आप देखते हैं मेरा प्रोडक्ट बिकता क्यों नहीं, उसमें इंप्रूवमेंट लाते हो, फिर आपको लगता है मेरे एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं उनको हटा देते हो, आपको लगता है मैनेजर बेकार है नया मैनेजर ले आते हो. हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस बंद नहीं करना चाह रहे, हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, हम टर्न अराउंड कर रहे हैं. तो समझे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, इट इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी. बेटा बिल्कुल उल्टा है, यहाँ क्या लिखा था, व्हेन इट्स एनलार्जेस द स्कोप ऑफ बिजनेस, यहाँ वो क्या लिख रहा है, व्हेन इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, जब आप अपना काम कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. आप बेटा इसके तीन तरीके बताए हैं. इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज एंड मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, जब आप ये कोशिश करते हैं कि जो ये मेरा बिजनेस गिरता चला जा रहा है मैं इसको रिवर्स करूंगा, ठीक करूंगा, तो आप क्या कहते हैं, इट अडॉप्ट्स अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. दूसरा, इफ इट कट्स ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट्स डिविजन्स और एसबीयूज. एसबीयूज क्या होता है, हमने कल पढ़े थे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स, अलग अलग बिजनेस. तो मुझे क्या लग रहा है, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको बंद कर देता हूँ, देन मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग ए डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी. और बेटा लास्ट में, इफ नन ऑफ दीज एक्शन वर्क, मैंने ठीक करने की कोशिश भी कर ली, लॉस मेकिंग यूनिट्स भी बंद करके देख लिए, अब भी मेरा बिजनेस नहीं चलता,
तो फिर मैं क्या करूंगा, इट मे चूज टू अबेंडन द एक्टिविटीज टोटली, बेटा वर्ड्स क्या लिखे हैं, अबेंडन, छोड़ दो, बंद कर दो, इट रिजल्टिंग इन लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। तो आप समझेंगे मैंने यही तीन बातें लिखी थी कि रिट्रेंचमेंट तीन तरह का हो सकता है, वन इज कॉल्ड टर्न अराउंड, अनदर वन इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट, थर्ड वन इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो इसमें क्या होता है, आप वो वाले यूनिट्स, वो वाले एसबीयूज जो कि लॉस मेकिंग है उनको कट ऑफ करते हैं, इस वाले केस में आप पूरी की पूरी एक्टिविटी अबेंडेंड कर देते हैं, इस वाले के केस में आप अपना जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपको कब 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 पता चलेगा बेटा ये समझे, करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का। नंबर वन, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज इन ए गिवन बिजनेस ऑफ द फर्म और सेल आउट ऑफ सम ऑफ द बिजनेस। बात हमें समझ आती है, क्या कह रहा है, कुछ बिजनेसेस बंद कर दिए जाते हैं, कुछ बिजनेसेस स्टॉप कर दिए जाते हैं रिट्रेंचमेंट के केस में। डाइवेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, डाइवेस्टमेंट इज व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच। बट स्टिग्मा क्या होता है, जो आपको लगता है कि लोग मुझे लांछन देंगे, लोग मुझे ये बोलेंगे कि यार तूने क्या कर दिया। डाइवेस्टमेंट में बट ऐसा नहीं होता, लिक्विडेशन में अक्सर क्या होता है, आपको ये फीलिंग आ रही होती है लोग क्या बोलेंगे, यार मैंने बिजनेस खोला और मैंने बिजनेस बंद कर दिया। बट लिक्विडेशन के साथ ये दिक्कत है, कुछ लोग बिजनेस सिर्फ क्यों कर रहे होते हैं कि मैंने दुनिया के सामने बिजनेसेस खोले थे, इसको बंद करके क्या साबित करूंगा, लोग क्या कहेंगे कि बिजनेस बंद करके आ गया, घर बैठा हुआ है। बट डाइवेस्टमेंट साथ ऐसा नहीं होता, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे होते हैं, सिर्फ वो वाली शॉप्स या वो वाले यूनिट्स बंद कर रहे होते हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको लॉस देते हैं। तो हमने कहा जी डाइवेस्टमेंट बेटर होती है क्योंकि इसके साथ स्टिग्मा अटैच नहीं होता। लिक्विडेशन तो बेटा लास्ट रिसोर्ट होता है, और लिक्विडेशन हम कभी भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप समझें, आप अपना जब बिजनेस बंद करते हैं वो सिर्फ आपका बिजनेस बंद नहीं होता बेटा, कई लोगों का बिजनेस आपकी वजह से बंद होगा, जो लोग वहां काम करते हैं, जो लोग वहां सप्लाई करते हैं, उन सबको नुकसान होता है। कई बार हम इसलिए काम किए चले जा रहे होते हैं कि चल यार वहां कम से कम 10 लोगों की रोजी रोटी तो चलती है, मैं नहीं कमाता तो वो तो एटलीस्ट अपने घर चला रहे हैं, बिना कमाए भी चलाता रहा इसको कोई बात नहीं। तो लिक्विडेशन बेटा लास्ट रिसोर्ट होता है, जहां पे आप बिजनेस को ही बंद करने पर आ जाते हैं। डाइवेस्टमेंट इज स्टिल बेटर कि आप जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको बंद कर लेते हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग वाले हैं वो चलते रहते हैं। फिर सर लॉस मेकिंग वालों को क्या किया जाता है, बेटा अक्सर उनके एम्प्लॉयज वगैरह एडजस्ट कर लिए जाते हैं उन यूनिट्स के अंदर जो चल रहे हैं। जब आप पूरे बिजनेस ही बंद कर देंगे तब तो नुकसान होने वाला है उनको, कोई दिक्कत होगा। तो हमने क्या कहा जी, इसके अंदर स्टिग्मा अटैच नहीं होता। और सुने, उसने कहा जी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में बिजनेस रीडिफाइन होता था, क्या रिट्रेंचमेंट में भी बिजनेस रीडिफाइन होता है? बिल्कुल होता है बेटा, रिट्रेंचमेंट में भी बिजनेस डिफाइन, क्योंकि रिट्रेंचमेंट में क्या बेटा, एक्सपेंशन में क्या होता है, आप नए बिजनेस जोड़ते थे, नए प्रोडक्ट जोड़ लेते थे, इसलिए हम क्या कहते थे, आपका बिजनेस रीडिफाइन हो गया। क्या रिट्रेंचमेंट में भी रीडिफाइन नहीं होता? होता है। या आप कुछ बंद कर देते हैं, क्या वो सेम रहा, पहले मैं 10 प्रोडक्ट बेचता था अब मैं 13 बेचता हूँ, ये भी एक्सपेंशन है, रीडेफिनेशन। अब मैंने 10 में से 3 बंद कर दिया, मैं 7 बेचता हूँ, दिस इज ऑल्सो रीडेफिनेशन। तो उसने क्या लिखा है, लाइक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो आप समझेंगे, स्टेबिलिटी में रीडेफिनेशन होती है? नहीं होती। ग्रोथ में रीडेफिनेशन होती है? होती है। रिट्रेंचमेंट में डेफिनेशन होती है? क्यों 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 करनी पड़ती है हमें ये कंपल्शन? क्या कंपल्शन आती है, क्या मुसीबत आ जाती है जो ये करना पड़ता है? बेटा आगे दोबारा भी लिखा हुआ, स्टिल एक बार यहाँ रीड करते हैं, हम क्यों डाइवेस्टमेंट करते हैं, मैं क्यों अपने कुछ यूनिट बंद कर देता हूँ। नंबर वन, ऑब्सोलेंस ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस। मुझे पता है बेटा वो वाला जो प्रोडक्ट उस यूनिट में बनता है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, अब कोई नहीं खरीदता उसको, इससे अच्छा है उसको बंद ही कर दो। नंबर टू, बिजनेस बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल। आपको समझ आ रहा है कि अनप्रॉफिटेबल हो रहा है बिजनेस, उस यूनिट से लॉस आ रहा है, बंद करना पड़ेगा उसको। इनएबिलिटी टू कोप अप विद कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। कई बार आपको क्या लगता है, उस फील्ड में ना बहुत कॉम्पिटिशन है यार, बट ऐसे टाटा वाला सोचो कहता है मैं क्यों टेलीकॉम सेक्टर में घुसा पड़ा, प्रॉफिट है नहीं, लड़े जा रहे हैं लोग, 100-100 रुपये महीने के ऊपर अनलिमिटेड दिए जा रहे हैं, छोड़ो ये बिजनेस करना ही नहीं। बेटा कई बार आप बिजनेस क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि उस वाले यूनिट के अंदर, उस वाले बिजनेस के अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन बचे ही नहीं होते, आप उसको छोड़ आते हैं, आप कहते छोड़ो यार इतना टाइम जहाँ वहाँ खपाते हैं, इतना पैसा वहाँ लगा रहा हूँ, किसी और बिजनेस में लगाता हूँ अपने, उसमें से कमाना शुरू कर देता हूँ। बेटा जिसके पास बहुत सारे बिजनेस, उसके पास तो ये लग्जरी है, वो कुछ बिजनेस बंद कर सकता है, जिसके पास है ही एक बिजनेस वो तो वो झेलेगा उस बिजनेस को। जो आपके पास अगर 10 ऑप्शन है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, फिर आप क्या करते हो, मेरे टाइम का, मेरे आप मनी का बेस्ट यूज होना चाहिए, मैं क्यों अपना टाइम और मनी वहाँ वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है। उन्होंने क्या कहा, इनएबिलिटी टू कोप अप विद कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी। कई बार आपको क्या लगता है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना वहाँ ना बहुत ज़्यादा लोग आ गए हम काम करने के लिए, ओवर कैपेसिटी हो गई है,
ओवर कैपेसिटी मीन्स अब काम कैसे मिले, इतने लोग तो आ गए हैं। पहले जब मैं गया था ना, थोड़े थोड़े लोग होते थे तो काम मिलता था, बट जैसे ओला उबर की कहानी समझे, शुरू शुरू में ड्राइवर यहाँ बहुत कम आते थे। रीजन भी कोई कोई लोग ओला या उबर चलाते थे, अगर एक शहर के अंदर 10 की डिमांड थी तो 6 या 7 घूम रही थी। आज बेटा हालात क्या, रेड लाइट पर देखो प्राइवेट गाड़ियां कम दिखती हैं, ओला और उबर ज्यादा दिखती हैं, ओवर कैपेसिटी है, इसलिए आप समझ रहे इनकम भी गिर रही है। तो लोग क्या कहते हैं, छोड़ो यार अब ये काम नहीं करना, यहाँ ना ओवर कैपेसिटी हो गई है। तो जब आपको लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो यूनिट आप चला रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी हो गई है, वहां प्रॉफिट मेकिंग बचा ही नहीं है, क्योंकि इतने प्लेयर्स आ चुके हैं कि कोई क्या ही बेचे, इतने तो सारे प्लेयर वहां पे वो हैं, सामान ही सामान बनाने वाले पड़े हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, इसको छोड़ो, कोई ऐसी जगह काम करते हैं, यहाँ मैं ऐसे बिजनेस में जोर लगाता हूँ अपने जहाँ अभी भी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बचा हुआ है। एंड फाइनली फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, बेटा आपने उस बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो फेल हो गई, अब आपको समझ आ रहा है कि मैं उस बिजनेस में फेल हो चुका हूँ तो मुझे वो वाला यूनिट बंद करना देंगे। बट ये वाला पॉइंट ने दोबारा से पीछे एक्सप्लेन किया है, तो इसको यहाँ से अब नहीं भी याद करेंगे तो जब आप 4.3 पे आएंगे तो वहाँ फिर यही रीजन लिखे हैं मैं डाइवेस्टमेंट के लिए, रीजंस टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसने यही चीज़ दोबारा लिखी है। तो बेटर ये है कि हम यहाँ से पढ़ें इसको, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ से रीड करा दी है, लेकिन ये सेम चीज़ दोबारा आपके 4.3 चार्ट में रिपीट हुई हुई है कि डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने के क्या रीजंस होते हैं। उसने यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, कंपल्शन फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वही चीज़ दोबारा दी है उसने रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी नाम से। बट रीजंस फॉर परसुइंग क्या होते हैं, वही ऊपर वाली बात दोबारा रिपीट की हुई है, एक बार उसको रीड किएगा कि क्यों आप बिजनेस को छोटा करना चाहते होते हैं। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, बेटा कोई बिजनेस क्या एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता होगा? सो कह रहा है मैं अपने सारे बिजनेस में ग्रोथ करूंगा, मैं अपने सारे बिजनेस में रिट्रेंचमेंट करूंगा, ऐसा नहीं होता। बेटा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, अपने किसी SBO में स्टेबिलिटी फॉलो कर रहे होते हैं, किसी SBO के अंदर अपना ग्रोथ में लगे हुए होते हैं, कुछ उनको लग रहे होते हैं कि नहीं यार यहाँ थोड़ा सा ना अभी टर्न अराउंड की जरूरत है या यहाँ इसको रिट्रेंचमेंट की जरूरत है। इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। बेटा आप प्रैक्टिकली समझे, टाटा, अब वो टाटा मोटर्स जैसा बेटा जहाँ वो नैनो बना रहा है, इस साल उसने एक यूनिट या नैनो का बनाया, तो क्या सोच रहा है इसको बंद कर देता हूँ, लेकिन वो वहाँ रिट्रेंचमेंट फॉलो कर रहा होगा। हो सकता है बेटा वो टाटा स्टील के अंदर ग्रोथ फॉलो कर रहा हो, या टाटा स्टील में वो स्टेबिलिटी फॉलो करना चाहता हो, टाटा टेलीकॉम के अंदर वो ग्रोथ चाहता हो कि यहाँ पे ग्रोथ ले लेता हूँ, मेरा कस्टमर कम है बाकियों से, मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा, यहाँ नया कस्टमर चूज करूंगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बिजनेसमैन अपने सारे बिजनेस के लिए एक ही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा होता है। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि आप कुछ बिजनेस के लिए कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कुछ के लिए कोई फॉलो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस बिजनेस का क्या माहौल है। तो हम क्या कहते हैं, जनरली बेटा जो बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इन तीन स्ट्रेटजियों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहीं पर आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं पर आप कोई फॉलो कर रहे होते हैं। सो इट रेफर्स टू अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज लाइक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन, रिटेंचमेंट टू सूट अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट एन एंटरप्राइज इज फेसिंग। जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन एंटरप्राइज फेस कर रही है आपकी, उसके हिसाब से आप उस बिजनेस के अंदर वो स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दस एन एंटरप्राइज मे सीक स्टेबिलिटी इन सम एरियाज ऑफ एक्टिविटी, एक्सपेंशन इन सम अदर एरियाज एंड रिट्रेंचमेंट इन सम अदर एरियाज। तो कॉम्बिनेशन क्या है, इनका मिक्स एंड मैच, जो जहां सूट करे वो करते। बट हमारी चार स्ट्रेटजी पूरी होगी। एक होगी स्टेबिलिटी, जो क्या होती है, स्टेटस को ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। आप रीडेफिनेशन नहीं करते, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, लेकिन ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं होती। यहाँ भी आप अपने बिजनेस के अंदर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लाना चाहते होते हैं, एनहेंस फंक्शनल एफिशिएंसी एनहेंस करना चाहते होते हैं। मतलब ये वर्ड्स हैं इनके, फंक्शनल एफिशिएंसी एनहेंस करना चाहते हैं। ग्रोथ एक्सपेंशन में क्या होता है, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता है, ग्रोथ विगर डायनामिज्म, नया इन्वेस्टमेंट, नया बड़ा ज्यादा रिवॉर्ड्स, ज्यादा रिस्क, दो तरह से होती है, हमने देखा इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। क्यों करते हैं बेटा, जो आपके सीनियर मैनेजमेंट है दे फील मोर प्राइड इन दैट कि ये करना है, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कमाना चाहते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना चाहते हैं। दीज आर द रीजन जिसकी वजह से आप ग्रोथ करते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, यहाँ भी रीडेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ बिजनेस को कट शॉर्ट किया जाता है तीन तरह से। टर्न अराउंड में आप डिक्लाइन को रिवर्स करना चाहते हैं, डाइवेस्टमेंट में लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद करना चाहते हैं, और लिक्विडेशन में पूरा बिजनेस ही अबेंडन करना चाहते हैं, और कॉम्बिनेशन इनका मिक्स एंड मैच, किसी बिजनेस में कोई फॉलो करेंगे, किसी बिजनेस में कोई फॉलो करेंगे। चलिए भाग गया बेटा, पहले मैं ये वाला पार्ट करता हूँ बेटा। रिट्रेंचमेंट तीन तरह की होती है, तीन तरह की कौन सी होती है, फिर आते हैं इसके वाले के ऊपर कि एक्सपेंशन कितने तरह की होती है। तो पहले हम चार्ट थ्री कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है इसके मुकाबले और काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी लास्ट में हमने यही पढ़ा है तो समझ भी जल्दी आता है। तो हमने क्या करा, ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी तीन तरह की होती है। वन इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी,
a divestment strategy and a liquidation strategy. तो बड़े पहले टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं. टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्टिविटी. हमने पहले रिट्रेंचमेंट से शुरू किया. हमने कहा रिट्रेंचमेंट क्या होती है? जब आप स्कोप ऑफ एक्टिविटी कम करें. अब ये दो तरह से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होती है बेटा? जब आप अपने बिजनेस के अंदर सुधार कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड करना. तो बेसिकली इंटरनल रिट्रेंचमेंट का दूसरा नाम क्या हो गया? टर्न अराउंड करना. एक्सटर्नल कौन सी हो गई? डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, जहां बंद करके बाहर और कोई काम ढूंढने निकल पड़ते हैं. तो इंटरनल रिट्रेंचमेंट क्या होती है? फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस एम्फोसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी. आप इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आपको समझ आ रहा होता है कि लॉस मेकिंग हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है. सो यू ट्राई टू इंप्रूव. बेटा कब कब आपको लगना चाहिए कि अब आपको बिजनेस इंप्रूव करने की जरूरत है? डेंजर साइंस ऑन इंडिकेटर्स दैट नेसेसिटेट टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. कई बार पूछ लेता है कि बिजनेसेस में कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर दिखाई दें जब आपको सोचना चाहिए कि टर्न अराउंड की जरूरत है. बेटा जो कुछ भी गलत हो सकता है वो सब इंडिकेटर में लिखा हुआ है. आपकी सेल्स गिर रही हैं, आपके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, आपका जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं. दिस इज द टाइम जब आपको टर्न अराउंड करने की जरूरत है. उसने क्या लिखा है? कैश फ्लो नेगेटिव है. आपको हर साल लगा रहता है यार जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ लास्ट में पता चलता है कैश फ्लो तो आया ही नहीं इस साल. नेक्स्ट, नेगेटिव प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर गिर रहा है, मेरी फिजिकल फैसिलिटीज, बिल्डिंग्स, मशीनरी डिटेरियोरेट हो चुकी हैं, पुरानी हुई पड़ी हैं बिल्कुल. ओवर मैनिंग, ज़्यादा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो बैठे हैं उनका मोराल भी बिल्कुल डाउन है. मिस मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अनकम्पिटिटिव हो चुके हैं. बेटा सारी की सारी समस्याएं समस्याएं हैं. तो ये जब होना शुरू हो जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि योर बिजनेस नाउ नीड्स अ टर्न अराउंड. प्रॉफिट्स आ नहीं रहे, कैश फ्लो नहीं है, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, जो बैठे हैं उनका मोराल डाउन है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, प्रोडक्ट्स आपकी जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, मशीनें और बिल्डिंग्स वगैरह डिटेरियट हो गई हैं. तो ये हैं साइंस एंड इंडिकेशंस. आपको पता तो चल गया बेटा ये समस्याएं हैं. अब आप टर्न अराउंड करते कैसे हैं? टर्न अराउंड में क्या क्या करने की कोशिश करते हैं? बेटा मैंने टॉप मैनेजमेंट को बदलूंगा. चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट एक तरीका हो सकता है. क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, बेटा मार्केट में दोबारा से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं. आप समझें, दोबारा आपने देखा होगा कंपनियां जो चली गई मार्केट से वापस आती हैं ऐड कर करके. ओनिडा बेटा, आप समझे, ओनिडा एक कंपनी थी पहले जमाने में बनाया करती थी, बीच में गायब हो गई थी. अब आप समझे ओनिडा फिर से मार्केट में आ रहा है, अपनी ऐड करता है, बड़े बड़े उनसे ऐड करा रहा है. अपनी मार्केट में जाओ तो फिर से मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है. तो आपको क्या कर रहा है? टर्न अराउंड कर रहा है कि मैं भूल, लोग मुझे भूल चुके हैं लेकिन दोबारा याद दिलाऊंगा तो लोगों को याद आ जाएगा, लोगों को दोबारा अपना मेरे अंदर ट्रस्ट बनवाना पड़ेगा. अपना नोकिया भी वही कर रहा है. आप समझे नोकिया मार्केट में दोबारा आ रहा है एंड्रॉयड फोन लेके, ऐड कर रहा है, बड़े बड़े जो मैचेस हैं उनको स्पॉन्सर कर रहा है ताकि दोबारा लोगों को याद आए कि हाँ नोकिया नाम की कंपनी हुआ करती. तो आप जिसको क्या कहते हैं? इनिशियल क्रेडिबिलिटी एक्शन. दोबारा से आप क्रेडिट वर्दीनेस अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते होते हैं. उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर. बेटा आपको कुछ बात समझ आ रही होती है कि कुछ एक्सटर्नल कारण्स थे जिनकी वजह से हम लॉस में आ गए. हमारे सप्लायर ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे थे हमसे, हम जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते थे या जहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी वो जगहें ठीक नहीं थी, ये एक्सटर्नल कारण थे जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा था, आप उनको ठीक करते हैं. उसके अलावा बेटा आप क्या क्या कर सकते हैं? क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज. क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज क्या होती हैं? कोई आप ऐसे कामों में घुसते हैं जो आपको पता चलता है इमीडिएट रिटर्न देंगे, क्योंकि आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है. तो आप ऐसी एक्टिविटीज में घुसना शुरू करते हैं, यार ये काम शुरू करके देखते हैं, इसमें ना इमीडिएटली 6 महीने बाद रिटर्न आता है, क्योंकि आपको इमीडिएटली बेटा पैसे की जरूरत है. तो आप क्विक पे ऑफ वाले काम करना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा असेट लिक्विडेशन, रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन. बड़े नॉर्मल सी बातें हैं, कॉस्ट कम करें, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें, असेट्स जो बेकार हैं वो बेच दें, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनल इंप्रूवमेंट करना. बड़ा जो जो ऊपर समस्याएं थी उनको नीचे ठीक किया जा रहा है. कैश फ्लो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सेल्स इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, कॉस्ट कम करने की कोशिश की जा रही है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा था इसलिए क्रेडिबिलिटी दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है. बेटा 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो यहाँ से आ जाता है, 5 का तो कई बार आया हुआ है, 7 तक का ही आ सकता है. बट आर द डिफरेंट स्टेजेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. ये क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय टर्न अराउंड स्ट्रेटजी? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी? तो 5 स्टेजेस है बेटा. टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है उसको 2 नंबर जितना बना लीजिएगा. टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है आप बताएंगे कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी होती है, 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल रिट्रेंचमेंट कहलाती है,
कब कब फॉलो करनी होती है, थोड़ा सा एक सेंटेंस में उसको बता देना कि स्ट्रेटेजी तब तक फॉलो होनी होती है जब नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहे हो, ये सब दिख रहे हो, आपको एक चार पॉइंट मिल जाएंगे ऊपर लिखने के लिए। देन कम टू द मेन आंसर कि स्टेजेस क्या होती हैं। पांच स्टेजेस होती हैं, पांच स्टेजेस हैं बेटा। पहली स्टेज असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, आपको समझ आ रहा होता है कि मेरा बिजनेस नहीं कमा रहा, वो कारण ढूंढें जिसकी वजह से वो नहीं कमा रहा, फाइंड आउट दोज रीजंस बेटा, देखें वो रूट कॉजेस कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप नहीं कमाते, उनको ढूंढें और उनके ऊपर फोकस करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। तो पहला एरिया क्या है, मैं असेसमेंट करता हूं करंट प्रॉब्लम्स की। बेटा जब तक आपको समस्याएं नहीं पता होंगी सोल्यूशन कैसे करोगे, तो पहला तरीका क्या है, समस्याओं का असेसमेंट करें, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। नंबर टू बेटा, उसको असेस करने के बाद पहले तो ईमानदारी से सोचें क्या टर्न अराउंड करने जितनी हालत है मेरी या बंद कर देना चाहिए। बेटा जरूरी नहीं है, आपका कई बार क्या होगा, समस्याएं समझ आने से मांगी कि इतनी समस्याएं हैं यार ये कैसे ठीक हो सकती हैं। तो आप समझे, पहले असेसमेंट करने के बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, असेस करें, एनालाइज करें सिचुएशन को और सोचें कि क्या वायबिलिटी बची है अभी भी, टर्न अराउंड किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ टर्न अराउंड किया जा सकता है तब आप स्टेज थ्री पे जाएं, नहीं तो यहीं से बाहर निकल के डाइवेस्टमेंट और टर्न अराउंड लिक्विडेशन की तरफ चले जाएं। हर कोई बेटा टर्न अराउंड नहीं करता, कोई बंद भी करेगा बिजनेस को, तो आप क्या करेंगे, पहले आप रीजंस ढूंढेंगे कि बिजनेस क्यों नहीं चल रहा और फिर एक बार प्राइम ऑफ फेसी एनालाइज करेंगे। देखें यहाँ क्या लिखा, डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल, देखें कि क्या बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड देन डेवलप एन प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान। अगर आपको लगता है कि सर्वाइव कर सकता है तो फिर आप आगे बढ़े, नहीं तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पे आए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी एक्शन प्लान, बट फिर आपको कुछ काम बड़े एमरजेंसी में करने पड़ते हैं। अब आप कहते हैं मैं बिजनेस को ठीक करूंगा, बट आप कुछ काम आप कहते हैं कि कस्टमर के अंदर अपना दोबारा से वैल्यू बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव करना पड़ेगा, बट इनमें टाइम लगता है। एम्प्लॉय का मोरल अगले दिन सवेरे इंप्रूव नहीं हो जाएगा कि रात तक पिछले दिन तक वो बैठे थे कि कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी का, अगले दिन सवेरे तैयार होकर आ जाएंगे, नहीं 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 कंपनी का बहुत कुछ हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ऐसे बेटा आपके कस्टमर आपको भूल चुके हैं, दो दिन में उनको याद नहीं आएगा। तो अब समझें जो आप स्टेप्स लेने जा रहे हैं ये भी दो तरह के होंगे, एक तो एमरजेंसी वाले जो साथ के साथ करने की जरूरत है, जैसे कि वो यूनिट काम नहीं करता बंद करो उस यूनिट को, ये व्यक्ति को निकालना है आज ही निकाल लो इसको, बेटा ये होते हैं एमरजेंसी प्लान जो इमीडिएटली करने की जरूरत है। फिर आप करते हैं वो वाले काम जो आपको समझ आते हैं धीरे धीरे करने पड़ेंगे। तो पहले आप एमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएं, इंप्लीमेंटिंग एन एमरजेंसी एक्शन प्लान, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन ए क्रिटिकल स्टेज appropriate action plan must be developed to stop bleeding and enable the organization to survive। बेटा इन्होंने किससे कंपेयर किया, जैसे emergency होती है बेटा, एक्सीडेंट होता है, एक होती है emergency treatment कि बंदे का खून निकल रहा है शरीर में कट लगा हुआ है उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर फिर 10 दिन तक अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट चलाए रखते हैं कि इसको दर्द नहीं होना चाहिए, इसका टेस्ट करो कोई और नुकसान तो नहीं हुआ इसके अंदर। तो emergency बेटा ऐसे बिजनेस में होता है, जब आप देखते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है एक तो emergency treatment देने की जरूरत है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे क्या करते हैं रीस्ट्रक्चर करते हैं बिजनेस को। इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, आप अपना प्रोडक्ट मिक्स बदलते हैं, आपको समझ आता है मैं ये 4-6 प्रोडक्ट बेचता हूँ इनमें से ये 2 हटा देने चाहिए, ये वाले 2 ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में जो मैं नहीं बनाता इनको बनाता हूँ। अब देखेंगे प्रोडक्ट बेटा टाइम लगता है प्रोडक्ट मिक्स बदलने में, पीपल मिक्स बदलते हैं, पीपल मिक्स क्या होता है जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर उन लोगों में परिवर्तन लाया जाता है, जो नई आपके हिसाब से ढल रहे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनके बदले नए लोग लाए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट बदली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल चेंज कर दिए जाते हैं। सो दीज आर ऑल रीजंस जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं बिजनेस को। तो ड्यूरिंग द टर्न अराउंड द प्रोडक्ट मिक्स कैन बी चेंज रिक्वायरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डू सम रीपोजिशनिंग, कोर प्रोडक्ट्स विच आर नेग्लेक्टेड ओवर टाइम में रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। बेटा कई बार आपको क्या लगता है यही तो मेरा मेन प्रोडक्ट था जिसकी वजह से मुझे मैं प्रॉफिट कमाता था, हमने इसी का साथ छोड़ दिया, इस पर हम ध्यान कम दे रहे थे, दोबारा इस पर ध्यान देना शुरू करो। फिर आप क्या करते हैं बेटा कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना शुरू करते हैं, उसके अलावा पीपल मिक्स बदलते हैं जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनमें चेंज लाना शुरू करते हैं। बट अब हमने क्या किया, नंबर वन हमने प्रॉब्लम्स असेस करी, नंबर टू फिर हमने ये देखा कि सिचुएशन को एनालाइज करो, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, चांसेस देखो सर्वाइवल के, उसके बाद इमरजेंसी प्लान, उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग, और बेटा अंत में जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत फल लाएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं रिटर्निंग टू नॉर्मल। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू होंगी, कहीं धीरे धीरे वो लॉस मेकिंग धीरे धीरे प्रॉफिट में बढ़ेगा, बट पहले दिन वो प्रॉफिट में नहीं बदल जाएगा, लेकिन लॉस कम हो जाना भी अचीवमेंट है, आपको समझ आएगा कि पिछले साल से कम लॉस किया। धीरे धीरे जब आप ये प्रोसेस लंबा समय तक करते रहेंगे यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग, की मेहनत रंग ला रही है, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो हमने क्या कहा, इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी प्रोसेस
द ऑर्गेनाइजेशन शुड शो साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी शुरू हो रही होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड बढ़ रही होगी. एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स सच एज केयरफुली एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, क्रिएटिंग अलायंसेज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर. बेटा ये सब बातें आप धीरे धीरे करना शुरू करते हैं, आप कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, कुछ लोग लोगों से बेटा अलायंस करना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आता है कि यार ये व्यक्ति मेरा जैसा है छोटा सा बिजनेस करता है, मैं भी करता हूँ, हम दोनों बड़े प्लेयर से लड़ रहे हैं, आप उसके पास आगे बढ़ के जाते हैं, क्या कहते हैं, आओ मिलके काम करते हैं. बेटा ये सब काम कब होते हैं, अगर हर कोई बड़ा सक्सेसफुल होता है ना, कोई किसी से अलायंस नहीं करता, बुरे दौर में ये सब चीज़ें समझ आ रही होती हैं. आपने देखा बेटा आइडिया वोडाफोन, क्या ये कभी अलायंस करते, कभी ना करते. ये बुरा दौर आया जब दोनों को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, इस वजह से उन्होंने क्या सोचा, अलायंस करते हैं. तो हमारे पास पांच स्टेप आ गए, नंबर वन असेसमेंट करते हैं, नंबर टू सिचुएशन को देख के उसके देखते हैं कि सक्सेस हो सकता है कि नहीं, नंबर थ्री इमरजेंसी प्लान, नंबर फोर रिस्ट्रक्चरिंग, और नंबर फाइव आप धीरे धीरे नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएंगे. तो नेक्स्ट इधर देखें, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी हमारे पास क्या क्या आया, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन कौन से इंडिकेशन हैं उसके, ये वाला क्वेश्चन बेटा उसने बड़ा कम पूछा है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्या 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 करना चाहिए, क्योंकि ये बातें इसमें आ जाती हैं. तो आप मेनली समय के चलने तीन क्वेश्चन है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है, व्हाट फैक्टर्स इंडिकेट कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की जरूरत है, एंड नंबर थ्री प्रोसेस ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें द प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. जो स्टेजेस हैं फाइव मार्क्स के लिए, सिक्स मार्क्स के लिए, सेवन मार्क्स के लिए, ये पूछ सकता है, किसी के लिए भी पूछ सकता है इन मार्क्स को. तो ये स्टेजेस ढंग से याद करनी है, टोटल पांच स्टेजेस की. डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, रीजंस टू अडॉप्ट हम पढ़ चुके हैं पीछे, वही रिपीट किए हुए. डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस, अ मेजर डिवीजन और प्रॉफिट सेंटर और SBU. इट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इज अडॉप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल. जहां आपको ये लगता है कि टर्न अराउंड किया गया है और वो अनसक्सेसफुल हो गया है, इन दैट केस आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं. रीजंस टू अडॉप्ट, वही वाली कहानी बेटा, क्या क्या है, आपका बिजनेस मिसमैच हो रहा है, आपने स्ट्रेटजी बनाई वो नहीं पूरी हो पाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए उस जगह पे जहाँ पर नहीं कर पा रहे, तो एक रीजन आप पढ़ लीजिएगा. ऐसा नहीं है बेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा. तो अब इसको अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो बेटा यही बनता है कि व्हाट आर द रीजंस टू फॉलो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है डाइवेस्टमेंट के ऊपर. डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है और उसका रीजन क्या होता है, उसके अलावा बेटा लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट नोट आ सकता है, उसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ स्टेप आएगा. उस सीधा नीचे मैंने आपको बताया था दो मार्क्स के लिए लास्ट में ऑप्शन में या पहले में क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधा क्या देखता था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विडेशन स्ट्रेटजी. तो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम और अनअट्रैक्टिव रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी. जितनी भी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कितनी है हमारे पास, तीन स्ट्रेटजीज हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन. सबसे गंदी कौन सी है इनमें से, लिक्विडेशन, क्योंकि आप बिजनेस बंद कर देते हैं. इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव और एक्सट्रीम विच इन्वॉल्व क्लोजिंग डाउन ऑफ द फर्म एंड सेलिंग इज असेट्स. इसके हम आप बिजनेस बंद करके उसके असेट्स बेच देते हैं. कंसिडर्ड एज द लास्ट रिसोर्ट बिकॉज इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. हम कहते हैं प्लीज इसको लास्ट में ही करना जब कोई ऑप्शन ना बचे, क्योंकि ऐसे करने के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं. मैंने कहा जी क्या है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, मैंने कहा नंबर वन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज को जॉब छूटती है इसकी वजह से. टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन फर्म कुड परस्यू एनी फ्यूचर एक्टिविटीज. बेटा बिजनेस बंद कर देने का मतलब क्या है, फ्यूचर में कभी कोई अपॉर्चुनिटी बैठे रहते तो क्या पता कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती. बंद करके जाने का मतलब क्या है, बेटा दुकान बंद घर जा रहे हैं, कल को अपॉर्चुनिटी आई भी तो भी आप वहां अवेलेबल नहीं होंगे. तो आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब खत्म कर देते हैं जब आप बिजनेस को बंद कर रहे होते हैं. एंड स्टिग्मा ऑफ फेलियर. बेटा नंबर तीन, दुनिया आपको फेल हुआ हुआ मानती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गया. बेटा आप इस फेलियर से उभर नहीं पाते कि मैं फेल हो गया. बड़े यही कारण होता है जब अटेम्प्ट रह जाता है तो अगली बार दोबारा क्यों रहता है, वो पुराने वाला ही नहीं दिमाग से निकल पा रहा होता कि यार मैं हो. जब द पॉइंट इज देर इज अ स्टिग्मा जो आपके दिमाग में आ जाता है, कुछ दुनिया घुसा देती है, कुछ खुद अंदर से घुसना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये क्या हो गया. तो ये वाला काम लिक्विडेशन में होता है आपके साथ. तो पॉइंट लोग क्या कहते हैं, इट्स बेटर नॉट टू लिक्विडेट. बट आप समझें लिक्विडेट करने वाली हरकतें अक्सर छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोपराइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स ही करती हैं. बड़े बिजनेसमैन कभी बंद नहीं होते, जितना मर्जी नुकसान हो रहा हो क्या करते हैं, कहीं और से कमाना शुरू कर देते हैं. लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि बंद नहीं करना होता काम, बंद करके घर बैठने से तो अच्छा है कुछ कर लेते हैं.
बाहर जाएंगे, हाथ पांव मारेंगे, कहीं से कुछ तो कमाएंगे, बंद करके बैठने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा लास्ट में यहाँ लिखी, मैनी स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड पार्टनरशिप वेंचर्स लिक्विडेट फ्रीक्वेंटली बट मीडियम एंड लार्ज साइज कंपनीज रेयरली लिक्विडेट इन इंडिया। इंडिया में हमने मीडियम और बड़ी बड़ी कंपनियों को लिक्विडेट होते कभी नहीं देखा। ये छोटे छोटे प्लेयर्स ही होते हैं जो दुकानें बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरे से काम नहीं हो रहा। बेटा देखें, ऊपर से वापस आ रहा हूँ, इट मे बी अनप्लेजेंट एज अ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। आपको लगता है कि ये बहुत अनप्लेजेंट है, गंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉलो नहीं हो करते लोग करते हैं, क्योंकि बेटा कई बार बिजनेस के हालात ये हो जाते हैं कि बिजनेस ना करके आप ज़्यादा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू करके। आपको लगता है यार इसमें तो लॉस ही लॉस है, इसको बंद कर देने का मतलब कम से कम साल का 10 लाख रुपया तो मैं लॉस बचा लेता हूँ अपना, इट्स बेटर ना किया जाए उसको। तो उन्होंने क्या लिखा है, इट इज एन अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव बट एज इट इज इट मे बी अनप्लेजेंट एज ए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव बट वेन अ डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव इट इज ए गुड प्रोपोजिशन। जब बेटा वो बिजनेस बंद होने के बाद उल्टा ज्यादा फायदा दिला रहा है आपको चलने के मुकाबले, तो वो सिचुएशन है जब उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। अब बेटा बंद करना इतना आसान नहीं है, बंद करने में ना कई दिक्कतें आती हैं। आप कहते हो बंद करूंगा, अपना असेट बेचूंगा, जरूरी थोड़ी ना आपके असेट खरीदने में लोग बाहर खड़े होंगे। और आप समझें, जब किसी को पता होता है ना कि आप अपना बिजनेस बंद करके इसको बेच रहे हैं, उल्टा वो ओने पौने भाव पे खरीदता है आपसे। बेटा मुझे भी पता चलता है 7 वाली अकेडमी बंद हो रही है, मुझे पता है इसने बेचनी तो है ही, मैं प्राइसेस वो नहीं दूंगा सामान के जो मुझे पता है मार्केट प्राइस है। आपको इतना तो हम भी मार्केट के एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं कि जब किसी का काम बंद हो रहा होता है वो हमेशा सस्ते में सामान बेच रहा होता है। क्यों बेटा? क्योंकि खरीदने वाला सामने से एटीट्यूड से आया होता है कि तू बंद कर रहा है, तेरा तो किसी काम का नहीं है, ला मुझे दे दे, फिर आप टूटे फूटे भाव देते हैं। तो बेटा इसमें दिक्कत क्या आती है, बिजनेस बंद करना इतना आसान नहीं होता। सेलिंग असेट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग ए लिक्विडेशन स्ट्रेटजी में ऑल्सो भी डिफिकल्ट एज बायर्स आर डिफिकल्ट टू फाउंड, बायर्स नहीं मिलते। मोर एवर द फर्म कैन नॉट एक्सपेक्ट एडिक्वेट कंपनसेशन एज मोस्ट असेट्स बींग अनयूजेबल आर कंसिडर्ड एट स्क्रैप। ये माना जाता है आपके यूज किए हुए हैं, खराब हो चुके होंगे, स्क्रैप बेच रहे हो। बेटा वो स्क्रैप के दाम पे ही बिकते हैं अक्सर जब आप बिजनेस बंद कर रहे होते हैं। तो हमने बेसिकली क्या कहा, ये तब आता है बेटा जब आप बिजनेस को प्लान करके बंद नहीं करते। बेटर ये है अगर आपको बिजनेस को बंद करना है ना, एक दिन रातों रात मत बंद करिए, क्योंकि रातों रात बंद करते हैं तो दुनिया का पता चलता है कि आप बंद कर रहे हैं, वो आपके असेट्स के दाम नहीं देती। धीरे धीरे बंद करिए। क्या किया आपने, एक मशीनरी बेच दी, दूसरी बेच दी। बेटा उस समय लोगों को क्यों पता कि आप क्यों बेच रहे हैं, उनको लगता होगा शायद काम की नहीं है, ज़्यादा खरीद ली गई होगी, उस समय वो ज़्यादा प्राइस देंगे। एक एक करके असेट बेचते जाएं, उसमें क्या होगा, आप लैंड लिक्विडेशन करेंगे तो ये समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी। तो भाई उन्होंने किया, व्हेन द लिक्विडेशन इज एविडेंट, आपको पता है लिक्विडेशन करनी है, एन अबेंडनमेंट प्लान इज डिजायरेबल, धीरे धीरे अबेंडन करें बिजनेस को, एक प्लान बनाएं। प्लान्ड लिक्विडेशन वुड इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्लान टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द फर्म एंड इट्स शेयर होल्डर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। तो प्लान लिक्विडेशन से क्या होता है, जो समस्या थी कि लोग ओने पौने भाव देते हैं, प्रॉपर ढंग से सामान के पैसे नहीं देते, वो वाली समस्या आपके साथ नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू गेट गुड प्राइजेस क्योंकि आपने धीरे धीरे वो प्लान आउट किया। तो असल में रिट्रेंचमेंट बट हमने क्या किया, सॉरी तीन तरह की रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। जब हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्यों करनी चाहिए, क्या इंडिकेटर्स हैं और क्या प्रोसेस हैं, तीन क्वेश्चन। नंबर टू डाइवेस्टमेंट, एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या होता है और रीजंस टू अडॉप्ट। लिक्विडेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट नोटिस के ऊपर। आइए लास्ट चार्ट पे आ जाएं इसका, टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज। जब हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, इसके रिलेशन में एक टॉपिक आएगा बेटा चैप्टर 2 के अंदर, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, आपकी बुक के अंदर पेज 40 पर है बेटा ये उससे बिल्कुल मेल खाता है। तो जो मैं पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन, बेटा ये बिल्कुल सेम टॉपिक है जो हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स नाम से पेज 40 के ऊपर आपका दिया हुआ है। कई तरह के मैट्रिक्स हैं चैप्टर 2 के अंदर, वहाँ से वहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसलिए एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन किया। पेज 39 पे या बेटा 40 पे कहीं भी आ जाएंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी पेज 40 पे इस तरह की, जहाँ पे आपको इस तरह का एक प्रो मिला मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये होती है बेटा बाय डाइवर्सिफिकेशन, हमने कहा जी ये चार तरह की होती है। चार तरह की कैसे होती है बेटा, हम कहते हैं जब आप बिजनेस ग्रो करते हो ना तो दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है, एक तो आप किस मार्केट में सामान बेच रहे हो, मार्केट मीन्स बेटा वो किस कस्टमर को बेच रहे हो, किस ज्योग्राफिकल एरिया में बेच रहे हो, किस साधन के थ्रू बेच रहे हो। अब आप समझें बेटा एयरटेल नॉर्थ इंडिया में सर्विस देता है, साउथ इंडिया में नहीं देता, हम कहेंगे उसकी नॉर्थ इंडिया मार्केट है।
आप इंडिया में सामान बेचते हैं, यूएस में बेचते हैं, चाइना में बेचते हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं बेचते हैं, यहाँ मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन बेचते हैं, ऑफलाइन नहीं बेचते, मैं क्या कहता हूँ आप ऑफलाइन मार्केट में नहीं बेचते। तो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किस कस्टमर को बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं वो भी मार्केट होती है, किस एरिया में बेच रहे हैं वो भी मार्केट होती है। तो एक ग्रोथ करने का तरीका क्या है, आप नए मार्केट में चले जाइए ना। आपको समझ आता है कि मैं अभी तक ऑनलाइन सामान बेचता था, बेटा ओप्पो मोबाइल्स ऑनलाइन बेचता है, वो ऑफलाइन नहीं मिलता। अगर जब वो ऑफलाइन बेचना शुरू कर देगा, मैं क्या कहूँगा, एक नई मार्केट में एंटर करा है। बेटा एमआई भी तो वैसे पहले ऐसे ही करता था, Xiaomi के फ़ोन आते थे एमआई के, ऑनलाइन मिलते थे, अब वो ऑफलाइन भी मिलने शुरू हो गए फ़ोन आपको, उसने एक नई मार्केट एंटर करी। सैमसंग बेटा स्टार्टिंग में ऑनलाइन नहीं आया था, वो ऑफलाइन बेचता था सिर्फ, वो कहता था नहीं मैं ऑफलाइन बेचूंगा, अब उसने भी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। बता पतंजलि, रामदेव बाबा, इन्होंने पहले धीरे धीरे में सेंटर्स खोले, अब आप अमेजोन पर जाएं इनका सामान अमेजोन पर मिल जाता है, दैट मीन्स ही हैज गेन्ड नई मार्केट। क्या प्रोडक्ट बदले हैं, प्रोडक्ट वही है। तो समझा एक ग्रो करने का तरीका क्या, नए मार्केट में चले जाओ। एक ग्रो करने का तरीका क्या है, उसी मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट ले आओ। जो बेटा हम अक्सर देखते हैं मारुति क्या कर रही है, हर चौथे दिन नई गाड़ी निकाले खड़ी है, खरीदने वाले लोग वही हैं, बिकने वाले तरीका भी वही है, वही शोरूम है जहां से बिक रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है। आप डोमिनोज जाते हो, नया पिज्जा पड़ा मिलता है वहां पर, आजकल मैडम उसकी मैकडी उसकी ऐड आ रही है अपनी, जो उन्होंने राइस बाउल निकाला है, किसने निकाला, मैकडोनल्ड्स वालों ने निकाला है, जिसको मैच के नीचे ऐड आ रही है आजकल, नया प्रोडक्ट निकाला है, कस्टमर वही है बेटा, वही लोग जो वहाँ जगह बर्गर खाते थे अब वो राइस बाउल भी खाएंगे। पॉइंट इसको क्या कहते हैं कि आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं उन्हीं कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो समझे बिजनेस को ग्रो कराने के भी कई तरीके हैं। तो उन्हीं को उन्होंने क्या किया बेटा, एक मैट्रिक्स में बांट दिया, उन्होंने क्या किया बेटा, इस एक्सिस के ऊपर तो उठाया मार्केट्स को, इस एक्सिस के ऊपर उठाया प्रोडक्ट्स को, और उन्होंने क्या कहा, अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, तो बेटा क्या तरीका हुआ, वही कस्टमर है, वही बेचने का तरीका है और वही प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कस्टमर ज्यादा खरीदे, उसमें आप क्या करते हैं बेटा, कस्टमर की डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे होता है, मैसिव एडवर्टीजमेंट से। आप समझे डोमिनोज वाला क्या करता है, हर संडे आपके घर के बाहर मेनू फेंक जाता है, इसलिए लोग वो, ताकि आप उसको देख के कई बार बेटा हम ऑर्डर कर भी लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड बढ़ा रहा है। ऑल आउट लेते थे बेटा हम लोग, पहले वो 10 दिन, पहले वो 1 महीना चलती थी, वो 15 दिन में खत्म हो जाती है। क्या कंजम्पशन बढ़ाई है उन्होंने आपकी, बिल्कुल बढ़ाई है, हमारी कंजम्पशन बढ़ा गए बेटा। टूथपेस्ट आज के साबुन आते थे बेटा सॉप्स, पहले वो साबुन बेटा 10 दिन 20 दिन चलता था, आज आपको बाथरूम में छोड़ दो अपने आप ही घुल के खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर। दे आर इंक्रीजिंग योर कंजम्पशन। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं नहीं, कोई नया मार्केट ढूंढ रहे हैं नहीं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू इधर चेंज द शेप ऑफ देयर प्रोडक्ट, चेंज द मेक मैसिव एडवर्टीजमेंट, जिसकी वजह से वो क्या चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। उसको हम कहते हैं आप मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं, आप मार्केट में और घुसना चाहते हैं। कौन सी मार्केट में, आपकी पुरानी मार्केट में ही क्या लेके घुसना चाहते हैं, वही पुराना प्रोडक्ट, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। बट आप समझें ये कॉस्मेटिक कंपनियां वगैरह वाले या ये टूथपेस्ट बेचने वाले ज्यादा कैसे बेचते हैं अपने सामान को, बट आगे से वो होल जहां से वो उन चीज निकलती है उसको बड़ा कर देते हैं। आप समझें टूथपेस्ट का आप होल बड़ा करिए, ज्यादा टूथपेस्ट बाहर आएगी, बाहर आने के बाद वो अंदर नहीं जाएगी, द कंजम्पशन इंक्रीजेस। दिस इज व्हाट हैपेंस विद कॉस्मेटिक्स। आप हाथ में क्रीम ज्यादा निकाल लेंगे, देयर इज नो वे, आप उसका कुछ नहीं होता, या तो लगा लें या उसको फेंक दें, जितनी आपको लगाने हो उतने लगाएं, कंपनी का बेटा काम हो गया, कंजम्पशन तो हो गई उस चीज की। तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की शेप्स बदल के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग, बेटा बेस्ट एग्जांपल गुड नाइट की मैट्स आती हैं बेटा, वो पहले दोनों साइड ब्लू कलर की होती थी, वो दोनों साइड जल सकती होती थी, जाके अपने पेरेंट्स से पूछेगा बेटा, पहले वो एक रात हम ऐसे जलाते थे, दूसरी तरफ पलट के फिर उसको वैसे जलाते थे, अब उन्होंने क्या किया, एक साइड बेटा चांदी का लेप लगा दिया, उसमें से खुशबू आती है, दे हैव इंक्रीज्ड योर कंजम्पशन, डबल हो जाएगी कंजम्पशन आपकी सीधी की सीधी, अब वो एक ही दिन चलेगी, 2 दिन नहीं चलेगी वो, क्योंकि वो एक ही साइड से सिर्फ ब्लू कलर की रह गई। द पॉइंट इज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये सब क्या है, सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सेम मार्केट में बेचा जा रहा है, लेकिन ग्रोथ लाई जा रही है, मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन बेटा ऐसी हरकतें कब तक करोगे, कितनी मार्केट कितनी ऐड करके कितना सामान बेच लोगे, एक समय बाद आपको या तो नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी या नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर तो आप सेम मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट ले आते हैं, डोमिनोज बेटा राइस बाउल, सॉरी मैकडोनल्ड राइस बाउल लाया, डोमिनोज नया पिज्जा लाया, मारुति नई गाड़ियां लाया, Xiaomi नए फोन लाया, कस्टमर वही है बेटा, उन्हीं के लिए नए नए चीजें निकाली चली जा रही हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने नया प्रोडक्ट लाया है, मार्केट वही रख रहे हैं, जैसे पहले बेचते थे, जिनको पहले बेचते थे उन्हीं को ही बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नया लाना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कस्टमर बोर हो जाता है,
बट अक्सर ये खाने पीने के सामान के साथ तो हमेशा ही होता है। अगर आप समझे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये क्यों मेन्यू बदलते रहते हैं अपना? उन्हें पता है आपने 3-4 बार अगर एक पिज्जा खा लिया, पांचवीं बार हमारा उसका खाने का मन नहीं कर रहा होता, हम कहते हैं कुछ नया खिलाओ। बेटा वो क्या करते हैं, उसी को मिक्स एंड मैच करके कोई नया पिज्जा बना देते हैं। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां वो नए नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, बेटा आपका प्रोडक्ट वो होता है, आपको समझ आता है कि मैं नई मार्केट में जाता हूँ। ओप्पो आज क्या डिसाइड कर ले, मैं ऑफलाइन भी बेचूंगा। कई लोग दुनिया में बाहर ऐसे बैठे हैं जो अभी भी ऑनलाइन परचेज नहीं करते, मैं उनके तक क्यों ना पहुंचूं? बेटा रामदेव जी को लगा कि मैं ऑफलाइन बेचता हूं, मैं ऑनलाइन क्यों ना बेचूं, मैं ऑनलाइन भी बेचूंगा। बेटा एमडीएच वाले, उन्हें लगा कि इंडिया में ही क्यों बेचें, इंडिया से बाहर जाके बेचते हैं मसाले, इंडिया तो हर जगह घूम, इंडियंस तो हर जगह है, वो खाना हर जगह खुद बनाते हैं तो वो मसाले भी वही डालेंगे वहां पर, वो इंडिया से बाहर जाके। बेटा आप फॉरेन चले जाएं, आपको वहां भी एमडीएच के मसाले मिल जाएंगे। ये सब क्या है, सेम प्रोडक्ट मार्केट बढ़ाई जा रही है अपनी, दैट इज नोन एज मार्केट डेवलपमेंट। बेटा एयरटेल क्या कहता है, मैं आज के इस कंट्री में भी सर्विस सप्लाई करूंगा। जियो क्या कहता है, मेरा अभी इतना सिग्नल है, मैं चाहता हूँ लेह लद्दाख में भी चले जाओ तो भी मेरा सिग्नल आए वहां पे। वो क्या कर रहा है, मार्केट बढ़ा रहा है अपनी, प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। उसे क्या कहते हैं, नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचना इज नोन एज मार्केट डेवलपमेंट। और फिर क्या होता है, कई बार बेटा आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं और नई मार्केट ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप रिलायंस वाले थे, आप अभी तक क्या करते थे, आप पेट्रोल पंप चलाते थे, आप पंप चलाते थे बेटा, माइनिंग करते थे, सॉरी ऑयल निकालते थे, कपड़ों के बिजनेस में थे, सडनली क्या शौक चढ़ा एक दिन, हम सब्जियां बेचेंगे, रिलायंस फ्रेश खोलूंगा। कोई लेना देना था बिजनेस से? कोई लेना देना नहीं था, हम करेंगे। लेकिन फिर एक दिन क्या जोश चढ़ा, मैं टेलीकॉम सेक्टर में भी घुस जाऊंगा। बेटा वो टेलीकॉम सेक्टर में भी घुसने को तैयार है। अब वो क्या कहते हैं, हम रिलायंस जियो वाले पर थोड़े से कह रहे थे हम कैब्स भी चलाएंगे। मैं कैब्स भी चला लो भाई तुम, द पॉइंट इज देयर इज नो रिलेशन, ना आपका कस्टमर सेम है ना आपका प्रोडक्ट सेम है। उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, आप नए मार्केट में नए कस्टमर को ढूंढते हुए जा रहे हैं। तो बेटा अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये वाले तीन जहां कुछ ना कुछ तो सेम होता है, दीज आर नोन बाय द नेम कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन। बेटा इसका नाम तो उन्होंने दिया ही हुआ है डाइवर्सिफिकेशन। तो आप समझेंगे, अगर आप अब आप वापस चार्ट्स में आए तो आप देखेंगे मैंने दो हिस्सों में बांटा। उसने कहा जी जब ग्रोथ स्ट्रेटजी करते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये दो तरह की होती है, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पुराने चार्ट में आए तो बेटा वहां भी ग्रोथ के नीचे लास्ट लाइन यही थी, ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टू मेजर स्ट्रेटजी रूट्स, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जिसे मैंने क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम आर ग्रोथ स्ट्रेटजीज, द डिफरेंस लाइज इन द वे इन विच द फर्म एक्चुअली परसूज द ग्रोथ। है दोनों ही ग्रोथ स्ट्रेटजी, लेकिन कैसे ग्रोथ की जा रही है, अंतर उस चीज का है इसके अंदर। तो आप समझे बेटा, ये मैंने सारा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे काम करता है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इन मार्केट, पेनिट्रेशन और कंसेंट्रेशन ऑन द करंट बिजनेस, द फर्म डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट इन ए सिंगल मार्केट विद सिंगल टेक्नोलॉजी। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेटा नए कस्टमर्स को बेचने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बेटा एनसॉफ वाले मैट्रिक्स में डिटेल में है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि जब चैप्टर 2 करेंगे वहां भी मैट्रिक्स के अंदर पूरा पूरा पढ़ना है इनके बारे में, तो यहाँ तो सिर्फ एक एक लाइन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हमने समझा नया मार्केट में जाना, नए प्रोडक्ट को बेचना। अब ये भी बेटा फर्दर इन्होंने चार तरह की बता दी। इन्होंने कहा जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैन फर्दर बी ऑफ 4 टाइप्स। मैंने कहा जी कौन कौन सी, उन्होंने कहा जी एक तो होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है जी एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, तीसरी होती है कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और चौथी होती है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा पहले क्या किया हमने, ग्रोथ स्ट्रेटजी 3 तरह की होती है, डाइवर्सिफिकेशन बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशन बाय स्ट्रेटजिक अलायंस। अब जब हम डाइवर्सिफिकेशन में आए, हमको वो एनसॉफ मैट्रिक्स याद आनी चाहिए। हमने कहा जी वो दो तरह से दो तरह की बातें थी, इंटेंसिफिकेशन जहां 3 बातें थी, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट, और डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन फर्दर 4 तरह की होती है, 1 इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन बेटा फर्दर 2 तरह की होती है, 1 इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अनदर 1 इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
पहले तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है ऐसे नए प्रोडक्ट बनाना जो कि आपके पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। कैसे? सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन क्या होती है बेटा? रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना। जब आप कहते हैं ना इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना और फाइनली ये बना, इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। आप अगर अपने सप्लाई चेन में आगे पीछे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं? आप वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब सप्लाई चेन में आगे पीछे बढ़ना कैसे होता है बेटा? आपको समझ आता है, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ वो मेरे से दूसरा व्यक्ति खरीद के ले जाता है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग और करता है और उसको कई ज्यादा दाम में बाहर बेच देता है। मैं कहता हूं मैं बेवकूफ हूं, मेरे से रॉ मटेरियल ले जाता है, बना के बेच देता है, मैं ही बना लेता हूं ये वाला प्रोडक्ट। ऐसा दिमाग बड़ा अक्सर हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं दूसरों लोगों की सर्विसेज पे क्यों डिपेंडेंट बैठा हुआ हूं, दूसरे लोग मेरा प्रोडक्ट बना के जाते हैं और उसको खरीदते, मैं क्यों नहीं एक स्टेप आगे बढ़ता अपने सप्लाई चेन में। बड़ा वह हुआ क्या? अमूल दूध बनाता था, उसने देखा लोग आइसक्रीम बना बना के बेचे चले जा रहे हैं, अमूल ने कहा मैं भी आइसक्रीम बनाऊंगा, मेरा दूध लेके आइसक्रीम बनाते हैं और बाहर आइसक्रीम बेचते फिर रहे हैं, उसने क्या कहा मैं आइसक्रीम बनाऊंगा। दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वो आगे बढ़ रहा है एक कदम उससे। बेटा इसको समझ आया अपना फ्लिपकार्ट को? फ्लिपकार्ट क्या करता है बेटा? अपने अपना सामान कुरियर कंपनियों के थ्रू आपके पास भेजता था, उसको लगा ये कुरियर कंपनी एक तो डिले कर देती है रस्ते में, प्राइवेट और इतना कमाया चले जा रही है मेरा सामान बेच बेच के, मैं खुद ही क्यों नहीं अपनी कुरियर कंपनी खोल लेता। बट उन्होंने ई कार्ट करके अपनी कुरियर कंपनी खोल दी, आज ई कार्ट से सामान आते हैं। ये सब क्या है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आप एक स्टेप सप्लाई चेन में आगे चल रहे हैं अपना, जो आपके बाद किए जाने वाले काम थे वो आप खुद करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बेटा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है। आपको कई बार क्या समझ आता है, मैं लोगों से सामान खरीदता रहता हूं सुबह से लेकर शाम तक, ये सामान मैं खुद नहीं बना सकता। सबवे उन्हें क्या लिखता है बेटा? वी बेक अवर ओन ब्रेड। वो कहते हैं हम अपना ब्रेड खरीदते नहीं, हम खुद बना लेंगे, रहने दो। स्टारबक्स बेटा वो कॉफी के खदान खोल खरीद के बैठा हुआ है चाइना के अंदर, मैं अपनी कॉफी खुद उगा लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों से। बेटा आप गाड़ी बनाते हैं कार, आप कहते हैं इसके टायर भी मैं खुद बनाऊंगा, मैं क्यों अपोलो टायर से टायर खरीदता फिरूं? अपोलो टायर वाला क्या कहता है? मैं रबड़ खुद बनाऊंगा, मैं रबड़ क्यों खरीदूं तुमसे? तो आप समझो जब आप पीछे जाना शुरू करते हैं, दैट इज व्हेन यू आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप वर्टिकली मूव करते हैं, यू स्टार्ट मूविंग अलोंग द सप्लाई चेन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यहां आप अपने बराबर के लेवल पे काम कर रही किसी एंटिटी के साथ जुड़ जाते हैं। पता चलता है वो भी टायर बनाती थी, मैं भी टायर बनाता हूं, हम कहते हैं आओ मिलके बनाते हैं। वो भी बैंक था, मैं भी बैंक था, हमने कहा क्यों लड़े चले जा रहे हैं, आओ मिलके काम करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हमने देखा बेटा ऐसा अक्सर होता हुआ, दो कंपनियां जो एक जैसा काम कर रही होती है मिल जाती हैं काम करने के लिए। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? आप आमने सामने एक ही लेवल के लोग थे, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं था, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ आप मिल गए। बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? आपका नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है लेकिन सप्लाई चेन से रिलेटेड नहीं होता, किसी और तरह से रिलेटेड होता है। किसी और तरह से रिलेटेड होना मीन्स बेटा कई बार आपको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो सेटअप्स चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मैन पावर ट्रेनिंग चाहिए नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो ऑलरेडी मेरे लोगों के पास है, मेरे पास वो सिस्टम्स हैं, मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये काम करने के लिए चाहिए, ये काम मैं भी करूंगा। कैसे बेटा? ऊबर गाड़ियां चलाता था, गाड़ी चलाने को क्या लगा, उसका एक ऐप चाहिए जो कस्टमर की लोकेशन ढूंढ ले, एक और जहां मेरा ड्राइवर खड़ा है उसकी लोकेशन ढूंढ ले, एक सिस्टम चाहिए जो आसपास वाले को दोनों को आपस में जोड़ दे। मैंने कहा आपके पास सिस्टम है? उसने कहा जी बिल्कुल, सालों से चला रहे हैं, कंफर्टेबली चला रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट वहां जाके खड़ी हो जाती है जहां कस्टमर खड़ा होता है, इतना प्रिसाइज हो गए हैं। मैंने कहा यही सेम टेक्नोलॉजी खाना सप्लाई करने के लिए भी चाहिए। एक रेस्टोरेंट होगा, कस्टमर कहीं बैठा होगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा, एक बंदा खाना वहां से उठाए और उस कस्टमर के पास छोड़ आए। उन्होंने कहा ये बिजनेस तो मेरे काम का लग रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है। बेटा उसने ऊबर ईट्स करके एक नई ऐप निकाल दी, आज वो खाना भी सप्लाई करता है। दिस इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। गाड़ी चलाने का और खाना बेचने का कोई लेना देना नहीं आपस में, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ही चाहिए थी। उसने कहा यह टेक्नोलॉजी तो काम की लगती है, लेट अस यूज दिस टेक्नोलॉजी। बेटा बैंकों को समझ आया कि इंश्योरेंस बेचने में भी यही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो मेरे पास है, उन्होंने इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने म्यूचुअल फंड के काम उठा लिए,
उन्होंने डीमैट सर्विसेज खोलनी शुरू कर दी। ये सब क्या है? आज जो आप नया काम कर रहे हैं वो पुराने काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ है? सप्लाई चेन से नहीं, किसी और तरीके से, टेक्नोलॉजी से, मैन पावर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। दिस इज व्हाट इज नोन एज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, इसको हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। क्योंकि आप समझें, आप भले डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपका नया प्रोडक्ट है वो पुराने प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? या तो सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है, या कई बार हूबहू वही है जो कि जो दूसरा बना रहा था, जिसको आप हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, या वो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। बेटा और कॉन्ग्लोमरेट का क्या मतलब होता है? जहां नया प्रोडक्ट का पुराने प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बनाते पेट्रोल थे, बनाना सब्जी शुरू, बेचना सब्जी शुरू कर दिया, गाड़ियां चलानी शुरू कर दी। बेटा कपड़ा बनाते थे, एक दिन सडनली क्या कहा, हम फोन भी बेचेंगे, आदित्य बिरला ब्रांड। बेटा और क्या करता था, आइडिया भी चलाता है, उधर से कपड़ों का ब्रांड भी चलाता है, कोई रिलेशन नहीं है आपस में। पॉइंट इज, टू सिंपली अनरिलेटेड बिजनेसेस अगर आप करने शुरू कर दें, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, देन दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन को एक और नाम दिया जाता है, दिस इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जहां आपका नया बिजनेस पुराने बिजनेस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। बेटा ये सारी बातें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी। डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह का होता है? वन इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज वर्टिकल इंटीग्रेशन कितने तरह का हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। बेटा इसको रीड करके टाइम वेस्ट करने का रहा, रीड आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब बेटा दूसरा तरीका क्या है अपने काम को इंप्रूव करने का? दूसरे लोगों के साथ जुड़ जाइए, आप बड़े हो जाएंगे। बड़े आदमी के साथ जुड़े हैं आप बड़े होंगे, दो लोग बेटा मिलके बड़े हो जाते हैं। पार्टीज बेटा, पॉलिटिकल पार्टियां यही तो करती हैं, हम मिलके चुनाव लड़ेंगे इनके खिलाफ, आप उनके बराबर पहुंच जाते हैं। अकेले अकेले भले ना जीत पा रहे हो, मिलके जीत सकते हैं। तो बेटा हमने दो टर्म पढ़ी, वन इज कॉल्ड मर्जर, अनदर वन इज कॉल्ड एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है? प्यार मोहब्बत से मिल जाना, फ्रेंडली टर्म्स पे एक दूसरे से मिल जाना, आओ मिलके लड़ते हैं, आओ मिलके काम करते हैं, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन में क्या होता है? बेटा एक आदमी दूसरे को जबरदस्ती खा जाता है, क्योंकि वो उससे बड़ा होता है, जिसको हम आम भाषा में बाहर टेक ओवर करना कह लेते हैं। तो एक्विजिशन और मर्जर में फर्क है थोड़ा सा। मर्जर प्यार मोहब्बत से करते हैं, फ्रेंडली टर्म्स पे करते हैं, जबकि एक्विजिशन हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली टर्म पे किया हुआ होता है। एक आदमी चाहता नहीं होता मिलना आपसे, लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं, आप उसके मेजोरिटी शेयर्स खरीद सकते हैं, आप उसको अपने अंदर मिला लेते हैं जबरदस्ती। तो हमने क्या कहा जी, मर्जर क्या होता है? मर्जर इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। इन सच अ केस डील गेट्स फाइनलाइज्ड ऑन फ्रेंडली टर्म्स एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्रॉफिट्स इन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। वेयर एज एक्विजिशन में क्या होता है, व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल्स ऑल हिज बिजनेसेस ऑपरेशंस, इट इज नोन एज एक्विजिशन। अ डील इन केस ऑफ एक्विजिशन इज ऑफन डन इन एन अनफ्रेंडली मैनर। बेटा यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होती, चाहते नहीं होते, जबरदस्ती करते हैं। और बेटा फिर मर्जर कितने तरह के होते हैं, वही चार तरीके लिखे हुए जो वहां लिखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? उसी कंपनी के साथ मर्ज करना जो आप जैसा काम करती है। वर्टिकल मर्जर क्या होता है? आपसे सप्लाई चेन में आगे वाले से मर्ज कर लेना, या सप्लाई चेन में पीछे वाले से मर्ज करना। आप क्या कहते हैं, अब मैं कॉफी खुद नहीं उगाऊंगा, कॉफी उगाने वाले के साथ मिलके काम करूंगा। मैं टायर खुद नहीं बनाऊंगा, गाड़ी बेचने वाला कहता है, टायर बनाने वाली कंपनी के साथ मर्जर कर लेता हूं। तो बेटा उसमें आप तरीका है, या तो खुद खोलें, उसमें हम कहेंगे आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जा रहे हैं। मर्जर एक्विजिशन भी काम को बढ़ाने का तरीका है, किसी को जो करता है, जो वो काम करता है उसके साथ जुड़ जाएं। कोजेनरिक, बेटा ये कोसेंट्रिक का दूसरा नाम है, कोसेंट्रिक बोला था, यहां वो क्या बोल रहा है, कोजेनरिक, यानी कि किसी ना किसी तरह से प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं आपस में। एंड कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल अलग सा। एंड लास्ट तरीका बेटा, जिससे आप मर्जर करते हैं, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, इस थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ टर्म जो हम आम भाषा में बार बोलते हैं, दोनों ने जॉइंट वेंचर कर लिया है। उसमें क्या होता है बेटा, मर्जर में क्या होता है और जॉइंट वेंचर में फर्क क्या होता है? बेटा एक कंपनी ए है, एक बी है, ए और बी मिलके एक कंपनी सी बनाते हैं, दिस इज मर्जर। इसमें ए भी बंद हो जाती है, बी भी बंद हो जाती है, लेकिन जब ए और बी बेटा मिलके काम करते हैं, ना ए बंद होती है ना बी बंद होती है, उसको हम कहते हैं दोनों में अलायंस हो गया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया है।
बेटा जैसे टाटा मार्को पोलो डीटीसी की बसें बनाते हैं, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों चल रही हैं, बंद नहीं हुई हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए इकट्ठी हो गई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अलायंस। तो अलायंस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट अनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। आप दोनों क्यों मिलते हैं आपस में, क्योंकि आपको समझ आ रहा होता है हम दोनों आपस में मिलकर कुछ ऐसा हासिल कर लेंगे जो अलग अलग शायद नहीं कर सकते। बट इलेक्शंस इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के, जहां आपको समझ आता है दो पार्टियां गठबंधन करती हैं, क्यों, उन्हें समझ आ रहा है अकेले अकेले लड़ेंगे तो दोनों हार जाएंगे, बेटर यह है इकट्ठे लड़ते हैं, बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ लेंगे। बट यही होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, ऐसी बिजनेसमैन करते हैं। आइडिया वोडाफोन, अब बेटा वो प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, क्योंकि आप समझो वो मर्जर है, वो दोनों में से कोई ना कोई बंद होएगी, बट सपोज करें वो मिलके काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, यानी कि दो छोटे प्लेयर्स मिल जाते हैं आपस में बड़े बनने के लिए, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं खोते, बंद नहीं होते। नेक्स्ट लाइन में लिखा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट आइडेंटिटीज, बंद नहीं होंगे ये, चलते रहेंगे दोनों। Share their benefits and control over partnership and continue to make contribution to the alliance. तो basically क्या है बेटा, partnership है, joint venture है, merger नहीं है, इसलिए अलग चीज है, दोनों बंद नहीं होंगी, individually चलती रहेंगी, मिलके काम करेंगी। बेटा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बंद नहीं हो जाती जब अलायंस करती हैं, कुछ जगह एक दूसरे से लड़ भी रही होती हैं उल्टा एक दूसरे के साथ, कुछ स्टेट्स में अलायंस करके खड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस इज व्हाट अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज। अब आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्यों करते हैं बेटा, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बताएं या डिसएडवांटेजेस बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएगा। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बेटा, आपको खुद समझ आता है, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस, कई बार क्या होता है बेटा, एक के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो दूसरे को चाहिए होती है, दूसरे के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पहले का चाहिए होता है। मारुति सुजुकी, मारुति के पास बेटा पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ सिस्टम था, सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी थी, सुजुकी को मारुति की जरूरत थी, मारुति को सुजुकी की जरूरत थी, उन्होंने कहा आओ मिलके काम करते हैं। तो बड़े सुबह हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कारण, ऑर्गेनाइजेशनल कारण का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। आप दूसरे की जरूरत बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे को आपकी जरूरत होती है, आपके पास कुछ ऐसी कमी है जो दूसरे के पास नहीं है, दूसरे के पास कोई ऐसी कमी है जो आपके पास है, आप मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा बेटा इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक कारण क्या होते हैं, मिलके काम करेंगे, ज्यादा बेचेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आएगा, सस्ता पड़ेगा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या दोनों बनाए चले जा रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है, आओ मिलके करते हैं, बड़े बन जाएं। तो उसमें क्या होता है, देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट और रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग मेंबर्स ऑफ अलायंस। थर्ड स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं बेटा, स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर से लड़ना, ये होता है स्ट्रेटेजी बनाना। कई बार आप इकोनॉमी के लिए नहीं जाते, आपको ये नहीं होता सस्ता है, आपको ये होता है दोनों इकट्ठे लड़ेंगे तो ही इससे लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे, ये हम दोनों को बर्बाद कर देगा, हम दोनों को बंद करा देगा। तो उसको हम कहते हैं ये है स्ट्रेटेजिक रीजंस, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी है आप दोनों के पीछे मिलने की। तो क्या लिखा, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीट, एक दूसरे के दुश्मन बेटा साथ साथ आ जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ा दुश्मन सामने आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये अब दुश्मन नहीं रहे, ये दोनों एक साथ में इकट्ठे काम करने को तैयार हो गए हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में ऑल्सो बी यूजफुल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड स्किल्स। आपको समझ आता है, हम इकट्ठे काम करेंगे तो हमारा एडवांटेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अलग अलग काम करने के। और बेटा कई बार पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन का मतलब क्या होता है, उस देश के कानून आपको मजबूर कर देते हैं कि इकट्ठा काम करो। जैसे कि बेटा इंडिया में कई बार बोला जाता है कि अगर आप फॉरेन से आ रहे हैं और इंडिया में डिफेंस में काम करना चाहते हैं तो आपको इंडियन कंपनी के साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा, हम फॉरेनर को पूरा अलाउ नहीं करेंगे। तो बेटा आप वो किस लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। उनका कारण सस्ता बनाना नहीं है, उनका कारण कॉम्पिटिटर से लड़ना नहीं है, उनका कारण भारत में एंटर करना है। और अगर भारत में एंटर करना है तो तरीका ही क्या है, किसी भारतीय कंपनी के साथ अलायंस बनाए। तो हमने क्या लिखा, सम स्ट्रेटेजिक अलायंसेज आर फॉर्म्ड विद लोकल फॉरेन बिजनेसेस टू गेन एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट। आप वहां जाने के लिए आपको इस तरह के अलायंसेस करने पड़ते हैं। चार एडवांटेज हो गए बेटा, नंबर वन ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर टू इकोनॉमिक, नंबर थ्री स्ट्रेटेजिक एंड नंबर फोर पॉलिटिकल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर के पांच से चार नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं।
डिसएडवांटेज क्या होता है बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस का, आपका भेद ले जाता है बेटा दूसरा व्यक्ति, है तो कॉम्पिटिटर ही, साथ जोड़ रहे हो, क्या गारंटी है जिंदगी भर जुड़े रहोगे, अलग हो जाएगा और जो चीज आपको आती थी वो सीख जाएगा। थोड़ा उसमें हमने क्या लिखा, नंबर वन द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग, कुछ नहीं छुपा हुआ होता, शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे आर इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट्स। बेटा अभी तक तो आप उसको साथ की कुर्सी पे बिठा लेते थे अपने, आ बैठ मेरा पार्टनर है तू, बेटा उसको सब कुछ बता देते थे, अपने सीक्रेट्स तक समझा देते थे, एक दिन आता है बेटा वो कुर्सी छोड़ के चला जाता है और बाहर जाके वापस आपका राइवल बन जाता है, फिर आप बहुत परेशान होंगे क्योंकि आपका सिखाया हुआ व्यक्ति जो आपसे, आप समझे, हो सकता है आप उससे उतना ना सीख पाए हो जितना वो सीख गया हो आपसे। तो हमने क्या कहा, ये बेटा जी शेयरिंग करा लेता है, शेयरिंग एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। सेकंड उसने यही लिखा है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ऑल्सो क्रिएट पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। बेटा आपका पार्टनर और कुछ नहीं, कल को आपका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है, तो आप समझें वो सब आपको अच्छे से जानता है अंदर अंदर तक कि आपको की क्या कमी है और आपके क्या स्ट्रेंथ है। इससे खतरनाक पार्टनर नहीं हो सकता बेटा कोई, ये वो घर का विभीषण है जिसको सारी समस्याएं पता है कि कहां मेरे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहां वीक पॉइंट है, और ये बहुत नुकसान पहुंचाता है जब बाहर चला जाता है। तो हमने कहा जी इसमें दो तरह के रिस्क हैं, एक तो शेयरिंग का, दूसरा ये जो आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं, दीज आर नथिंग, दीज आर योर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। चलिए वी आर डन विद चैप्टर फोर, बट चैप्टर फोर एक बार दोबारा देखें क्या कुछ था। चार तरह की स्ट्रेटेजी थी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। जब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फर्दर तीन तरह की होती है, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ एंड एक्विजिशंस, सॉरी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं वो दो तरह का, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन तीन तरह से, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन फिर चार तरह से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट। वर्टिकल दो तरह से, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मर्जर से एक्विजिशन दोनों में फर्क, मर्जर फ्रेंडली, एक्विजिशन नॉन फ्रेंडली। फिर ये चार तरह के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, बेटा यहाँ कॉन्सेंट्रिक नहीं है, कोजेनरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एडवांटेजेस चार पड़े, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं। दो डिसएडवांटेजेस, शेयरिंग होती है, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आया रिट्रेंचमेंट, तीन तरह से, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। टर्न अराउंड के अंदर बेटा हमने साइंस पढ़े क्या क्या दिखते होते हैं और पांच स्टेप्स पढ़े, देन डाइवेस्टमेंट, रीजंस टू डाइवेस्टमेंट, एंड फाइनली लिक्विडेशन के ऊपर शॉर्ट नोट। वी आर डन विद द चैप्टर। बेटा घर जाके एक बार उसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बिजनेस